हैं, उन सबका मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप लोग सभी साधुवाद के पात्र हैं कि जिस कमिटमेंट को लेकर, जिस जिज्ञासा को लेकर आप आज उपस्थित हुए हैं, वास्तव में ये बहुत बड़ा काम है। किसी ने कहा है कि यदि आप 3-4 महीने की या कुछ महीनों की सोचते हैं तो मक्का बोइए, फसल बोइए। यदि आप कुछ वर्षों की सोचते हैं, दशकों की सोचते हैं, तो फलदार वृक्ष लगाइए। और यदि आप सहस्राब्दियों की सोचते हैं तो इंसान बनाइए। ये हमारा जो अभी कार्यक्रम चल रहा है गर्भ संस्कार का, ये वास्तव में इंसान बनाने का बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि मनुष्य मानव को, मानव भ्रूण को एक मानव के रूप में विकसित करना, मानव के रूप में संस्कारित करना और उसमें देवत्व और दिव्यत्व का जागरण करने के लिए उसे आगे बढ़ाना, ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए कहा है कि वास्तव में एक बच्चे को संस्कारित करना एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। तो बाकी आप लोगों की चर्चा, संस्कार क्या है, कैसे प्रभावित करता है, क्या होता है, किस तरीके से गर्भ में संस्कार दिए जा सकते हैं, संदर्भ में आपको भूमिका में आदरणीय दीदी ने, मैथिली शर्मा दीदी ने बहुत अच्छे से बताया होगा। तो अब हम बहुत ज्यादा अपनी बात को न करते हुए, ये बात बहुत किस संदर्भ में भूमिका पर ज्यादा चर्चा न करते हुए इसमें आते हैं कि जो भी कुछ आपने अभी तक बातें सुनी होंगी उसके आधार पर आ रही है आवाज, आ रही है जी, अच्छे से आ रही है। तो अभी तक आप लोगों ने जो भी चर्चा करी है उसमें जो बातें हमारे सामने आती हैं, तो ये बात पकड़ में आती है कि गर्भ में ही बच्चे के श्रेष्ठ जीवन की नींव पड़ जाती है। और इसके अनेकानेक एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, पौराणिक एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे, कि माँ बदालसा ने किस तरीके से, मार्कंडेय पुराण में आता है कि अपने बच्चों को लोरी सुनाते हुए ही उन्हें 3 बच्चों को ब्रह्मज्ञानी बना दिया। और जब उनके पति ने, जो एक राजा थे, उन्होंने जब उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई किसी एक बच्चे को तो हमारा एक इस प्रशासन का उत्तराधिकारी के रूप में, इस राज्य को चलाने वाला एक श्रेष्ठ कर्मयोगी के रूप में तैयार करिए, तो उन्हीं माँ मदालसा ने संकल्प पूर्वक अपनी दिनचर्या को बदलकर और अपनी उसी मानस पद्धति को और उसी जीवनचर्या को अपनाकर, जिससे कि कर्मयोगी संतान को जन्म दे सकती है, उन्होंने एक श्रेष्ठ राजा के रूप में अपने 4th पुत्र को तैयार किया। इसी प्रकार यदि हम देखें तो अष्टावक्र का यदि आपने नाम सुना हो, जिन अष्टावक्र गीता का नाम सुना हो, तो रामायण काल में इनका जिक्र आता है। राजा जनक के दरबार में ये जाते हैं तो वहां पर इस प्रकार की चर्चा आती है। तो ये अष्टावक्र जो थे, इनके पिता ने भी जब ये निर्णय, माता पिता ने ये डिसाइड किया जब ये गर्भ काल में थे, तो माता पिता ने सुनिश्चित किया कि हम अपने बच्चे को ब्रह्मज्ञानी बनाएंगे। और उसके लिए उन्होंने अपनी पूरी दिनचर्या उसी प्रकार से बना ली, सुबह प्रातः से उठकर रात्रि तक की दिनचर्या, जिसमें निरंतर वेदांत चिंतन, उपनिषद और षट संपत्ति आदि के संवर्धन के लिए, चित्त शुद्धि के लिए जिस प्रकार की साधना पद्धति अपनानी पड़ती है, वेदांत को ग्रहण करने के लिए, उस प्रकार की उन्होंने अपनाई। और अष्टावक्र के संदर्भ में आप हम सब जानते हैं कि वो इतने ज्ञानी हो गए थे कि गर्भकाल में ही वे अपने पिता से शास्त्रार्थ तक करने लग गए थे। तो इतने सक्षम उस रूप में उन्होंने तैयार किया। अभिमन्यु का एग्जाम्पल हमारे सामने है, महाभारत काल में यदि हम देखें तो सुभद्रा के जब गर्भ में थे अभिमन्यु, तभी उनको अर्जुन ने, उनके पिता अर्जुन ने उनको, यानी सुभद्रा के पति अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह भेदन की पूरी कहानी सुनाई थी। और जहां तक वे जागती रही, चक्रव्यूह भेदन को समझती रही, सुनती रही, पूरे उन्होंने गहन गहराई के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी अभिरुचि के साथ जब उन्होंने जहां तक सुना, वहां तक की पूरी चक्रव्यूह भेदन की प्रक्रिया को अभिमन्यु आत्मसात कर चुके थे। और 20 साल की उम्र के बाद भी, जब 20 साल के वे हुए और चक्रव्यूह भेदन का उनके सामने जब काल आया, तो उन्हें वो सारा कुछ याद था। केवल जो अंतिम जो उनका वो था, जिसमें कि माता सो गई थी और वे सुन नहीं पाए थे, तो जो आखिरी दरवाजे से निकलने का जो रास्ता था वो वे नहीं सुन पाए थे, तो आप हम सब जानते कि उसका परिणाम क्या हुआ था, अभिमन्यु वहीं पर अटक गए थे। इसी प्रकार यदि हम भक्त प्रहलाद का जीवन देखें, तो
कहां हिरण्यकशिपु के पुत्र जो कि विष्णु के घोर विरोधी, जो स्वयं अपने आप को परमात्मा मानते थे, विष्णु को भगवान मानने को तैयार नहीं थे, उनके पुत्र प्रहलाद विष्णु के परम भक्त हुए। कारण कि जब वे गर्भ काल में थे, जब वे उनकी माँ कयाधु जब प्रहलाद को अपने गर्भ में धारण किए हुए थी, तब ऐसा एक वक्त आया था कि हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए गए थे और किन्हीं सुरक्षा के कारणों को लेकर नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले गए थे। और चूंकि वहां का वातावरण ईश्वर भक्ति से, नारायण भक्ति से, विष्णु भक्ति से भरा पूरा था, वहां की पूरी दिनचर्या उसी प्रकार की थी, चारों ओर भक्ति के, भक्ति का साम्राज्य था, तो कयाधु ने भी उसी जीवनचर्या को अपनाया। उस वातावरण का प्रभाव, उस जीवन शैली का प्रभाव ऐसा हुआ कि हिरण्यकशिपु के पुत्र होकर भी, असुर पुत्र होकर भी भक्त प्रहलाद कहलाए और ब्रह्मज्ञानी हुए। तो ये इस प्रकार के एग्जाम्पल्स हमारे पूरी आर्ष ग्रंथों में भरे पड़े हैं। उपनिषद आप देखेंगे, उपनिषदों में ऐसी कई कहानियां आती हैं और इस प्रकार की चीजें हमारे सामने आती हैं कि माता पिता ने किस तरीके से गर्भ के काल से ही बच्चे में संस्कारित करने के लिए अपनी जीवन शैली अपनाई और क्या क्या तरीके अपनाए जिससे कि वो बच्चा उस तरीके से जो वो बनाना चाहते थे उसको बनाने में सक्षम हो पाए। ये यदि हम सोचे कि भाई ये तो पौराणिक समय की बातें हैं, तो यदि हम आज का भी ये समय लें तो आधुनिक उदाहरण भी यदि हम लेते हैं, तो आधुनिक उदाहरण के अंतर्गत यदि आपने काली आंधी के नाम से टेनिस में जानी जाने वाली सेरेना विलियम्स का नाम सुना हो, तो उनके भी संदर्भ में ये मतलब प्रचलित है कि जब वे मतलब पैदा होने वाली थी, उससे पूर्व ही उनके पिता के अंदर ये मन में आया कि जो भी मेरा बच्चा पैदा होगा उसको मैं टेनिस का चैंपियन बनाऊंगा। और उन्होंने अपनी ये मनसा अपनी पत्नी के समक्ष रखी, उन्होंने भी उसे अपनी अभिरुचि बना लिया कि ठीक है हम दोनों मिलकर अपने बच्चे को टेनिस का चैंपियन बनाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने जैसे ही सेरेना गर्भ में आई उसी समय से उन्होंने सारी तमाम टेनिस की बुक्स लाकर उनके पिता ने माँ के सामने रख दी, सेरेना की माँ के सामने, और वे उसको निरंतर पढ़ती, उसकी बारीकियों पे वे लोग आपस में डिस्कशन करते, ऐसी चीजें देखती जो टेनिस प्लेयर अच्छे अच्छे चैंपियंस हुए हैं उनके गेम्स देखती, उनकी बारीकियों को समझती, उनके खेलने के तरीके को समझती। और उस सब का प्रभाव ये हुआ कि बचपन से ही सेरेना जब जन्म हुआ उसके पश्चात जैसे ही वो थोड़ी सचेतन हुई उनका टेनिस में बहुत ज्यादा रुझान हुआ और आज वे काली आंधी के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार यदि आपने नाम सुना हो एक मनोचिकित्सक हुए हैं डॉक्टर फाउलर, उन्होंने भी एक अपने जो उन्होंने पुस्तक लिखी है उसमें लिखा है कि माता पिता यदि चाहे, मेरा अपना एक लंबे समय का जो एक्सपीरियंस है मनोचिकित्सा का, उसमें मैंने ये पाया है कि जो भी बच्चे मेरे पास आए उनको देखकर ये मैं समझ मुझे बहुत अच्छे से ये बात पकड़ में आई कि यदि माता पिता चाहें तो बच्चे को मानसिक और शारीरिक रोगों से मुक्त रख सकते हैं, उसका व्यक्तित्व ऐसा बना सकते हैं कि उसे कभी भी वो हमेशा मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे और जो संस्कार भी देना चाहें वो दे सकते हैं। इसके संदर्भ में उन्होंने एक एग्जाम्पल भी अपने की, बोले मेरे पास एक बार एक मंद बुद्धि बालक आया जबकि उसके माता और पिता पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, और उनके पास सारी साधन सुविधाएं मौजूद थी। वे लोग बहुत प्रयास कर रहे थे तो भी वो बच्चा कुछ सीख नहीं पा रहा था। फिर मैंने ध्यान दिया कि क्या कारण है, क्या है करके, तो मैंने उसके गर्भकाल के संदर्भ में जानना चाहा। तो ये बात पकड़ में आई कि जिस समय वो गर्भकाल में था वो बच्चा, तब उन माता पिता की आपस में बहुत अनबन रहती थी, काफी लड़ाइयां होती थी, जिसके कारण माँ हमेशा आशंका, चिंता, गुस्से और क्रोध से हमेशा भरी रहती थी, और उसका परिणाम ये हुआ कि बच्चा मंद बुद्धि पैदा हुआ। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमें, ये एक तो बहुत यदि ध्यान से हम सुने, बहुत छोटे छोटे में हमने एग्जाम्पल्स रखे हैं, पर उससे ये बात समझ में आती है कि गर्भ में माँ की जो स्थिति, मनस्थिति और जो परिस्थिति रहती है, परिस्थिति का मनस्थिति पर उसके क्या प्रभाव पड़ता है, माँ की जो पूरी मनस्थिति है, उसकी जो दिनचर्या है, वो किन चीजों के कॉन्टैक्ट में आती है और कैसे उनको ग्रहण करती है, इस सब पर निर्भर करता है बच्चे की संस्कार और बच्चे का स्वभाव, बच्चे की मानसिकता, बच्चे का पूरा विकास। ये बात हमारे सामने समझ में आती है। तो इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, ऐसा क्यों होता है, उस संदर्भ में यदि देखा जाए तो जो भी हमारी जितनी भी शोधें हुई हैं वो ये
देखने में आता है कि गर्भ में जो बच्चा होता है वो सोल कॉन्शियस होता है। सोल कॉन्शियस यानी वो उसने अपना पूर्व का एक शरीर छोड़ा है और वो नए शरीर को ग्रहण करने के लिए उद्यत है। इस समय अभी उसका शरीर बना नहीं है, इसलिए उसका जो अपने प्रति आइडेंटिटी बोध है, जो उसकी स्व के प्रति जो स्वत्व की जो उसकी अपना बोध है, वो सोल कॉन्शियस है। वो शरीर से जुड़ा हुआ नहीं, अपने आप को शरीर नहीं मान रहा है, अपने आप को एक जीवात्मा मानता है। और ऐसे समय में उसका सूक्ष्म शरीर बहुत एक्टिव रहता है। क्यों? क्योंकि अभी फ्रेमवर्क भी तैयार हो रहा है, एक प्रकार से देखा जाए तो स्थूल शरीर का फैब्रिकेशन भी हो रहा है, और स्थूल शरीर के फैब्रिकेशन में भी सूक्ष्म शरीर का बहुत बड़ा योगदान होता है। और मुख्यतः इस सूक्ष्म शरीर में भी जो अवचेतन मन है वो सबसे ज्यादा सक्रिय है, क्योंकि हमारे बॉडी को चलाने में, बॉडी को बनाने में अचेतन मन का बहुत बड़ा काम होता है। मतलब ये सारा चीजें भी देखा जाए तो बहुत रीजनिंग के साथ होती है, सारी इस पूरी प्रकृति की, इस पूरी सृष्टि की जो प्रक्रिया है वो कार्य कारण पर आधारित है, और हर चीज के पीछे कोई रीजन है और उसके साथ वो चीज एक्टिवेट होती है और उस प्रकार का सारा तारतम्य जुड़ता है। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो सोल कॉन्शियस होने से बच्चे का अचेतन सूक्ष्म शरीर बहुत परसेप्शन वाला है, सूक्ष्म शरीर वैसे भी बहुत सेंसिटिव होता है ना, हमारे मन की प्रक्रिया, और बहुत एनर्जेटिक होता है, अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न होता है हमारा सूक्ष्म शरीर, ठीक है कि नहीं। हम सो भी जाते हैं तो भी मन कार्य करता रहता है, मन कभी थकता नहीं है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि अचेतन मन जो है ये इस समय बहुत ज्यादा सक्रिय है। बच्चा सोल कॉन्शियस होने के कारण उसकी ग्रहणशीलता बढ़ी हुई है, सूक्ष्म शरीर की सक्रियता के कारण, सूक्ष्म शरीर की सेंसिटिविटी के कारण। इस समय हम बच्चे को जो कुछ भी सिखाते हैं उसका लगभग 80-90% वो बहुत अच्छे से ग्रहण कर लेता है और आत्मसात कर लेता है, तो उसकी ग्रहणशीलता बहुत तीव्र होती है। और चूंकि सूक्ष्म शरीर सेंसिटिव बहुत ज्यादा है, इसलिए माता की भावना, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसके विचार है ना, उसका परसेप्शन, हर चीज के प्रति बच्चा बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। वो माता के साथ रियल कम्युनियन में है, बेसिकली जो कुछ माता महसूस कर रही है, जो कुछ माता सोच रही है, विचार रही, वो सब बच्चा भी साथ साथ में एक प्रकार से कहा जाए तो कर रहा है। इस प्रकार की एक स्थिति इस समय रहती है। तो अचेतन की प्रोग्रामिंग का ये सर्वश्रेष्ठ समय होता है, और आप हम सब जानते हैं कि हमारा इवन चेतन मस्तिष्क भी जब एक्टिव हो जाता है ना, जो प्रायः किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में 5 वर्ष के बाद चेतन मस्तिष्क बहुत अच्छे से एक्टिव होता है, पर वो चेतन मस्तिष्क जो रहता है वो अचेतन से प्रभावित होकर ही कार्य करता है ज्यादातर। उसीलिए हम बोलते हैं कि संस्कार के आधार पर ही हमारी चॉइसेस बनती हैं, और उसी चॉइसेस के अनुसार कॉन्शियसली हम एक्ट करते हैं, हमारा एटीट्यूड बनता है, चॉइसेस बनती हैं, और उसी के आधार पर हम संसार में से जितनी भी चीजें हैं, अच्छा बुरा सब कुछ है, पर हमारी अभिरुचियां जैसी होंगी, हमारे संस्कार जैसे होंगे, हमारी चॉइसेस जैसी होंगी, हमारा एटीट्यूड जैसा होगा, वैसा ही हम संसार को ग्रहण करेंगे और उसे आत्मसात करेंगे, उसके अनुसार ही कार्य व्यवहार करेंगे। तो अचेतन की प्रोग्रामिंग का चूंकि समय बहुत एक्टिव है, तो ये बहुत अच्छा समय है ना। इसमें आपको प्रारंभ में पहले दिन जी दीदी ने एपिजेनेटिक्स के बारे में बताया होगा, कई बार ये बात चूंकि इसके एक बार जिक्र कर रही हूँ इसका, कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि भाई हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो नेचर है, हमारे जो संस्कार हैं, वो तो हमको माता पिता से मिले हैं, जीन्स से मिले हैं, जो ऐसे हमारे जीन्स होंगे उसके अनुसार होगा। तो ऐसा नहीं है, एपिजेनेटिक्स में आपको दीदी ने बताया ही होगा, उसमें बहुत जेनेटिसिस्ट हुए हैं ब्रूस लिप्टन, उन्होंने ये बात कही है कि जब उन्होंने अपना स्टेम सेल पर वो कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, ये लेट 60s की बात है, तब उन्होंने ये बात कही कि मैं इस बात के उसमें आया था कि ये जो जीन्स होते हैं ये सेल्फ एक्चुअलाइजिंग नहीं होते, मतलब ये खुद से खुद का अभिव्यक्ति इनकी नहीं होती, ये इन्वायरमेंटल सिग्नल से प्रभावित होते हैं, और हमारा जो परसेप्शन होता है एन्वायरमेंटल सिग्नल के प्रति उससे प्रभावित होते हैं। यानी और ये दोनों ही चीजें, चूंकि हम अपने एनवायरमेंटल सिग्नल को हम चूज कर सकते हैं, है ना, वो एक प्रकार की एक लेवल की वो स्वतंत्रता है, कहीं यदि वो स्वतंत्रता नहीं भी है तो परसेप्शन उस एनवायरमेंटल सिग्नल के प्रति, हमारा परसेप्शन टोटली हमारे हाथ में होता है। तो उस सिग्नल को और इन दोनों को यदि हम कंट्रोल अपने आप कर सकते हैं, इसलिए वी आर द मास्टर्स ऑफ अवर जेनेटिक एक्सप्रेशंस, ठीक है ना। तो यही एपिजेनेटिक्स का बेस है बेसिकली, कि हम अपने वातावरण को बदलकर और वातावरण के प्रति अपने परसेप्शन को बदलकर
हम अपने जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये माता यदि इस बात का ध्यान रखती है तो बार 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 वातावरण और उसके परसेप्शन के प्रति सकारात्मक, तो हम माता यदि चाहे तो खुद के अंदर भी और बच्चे के अंदर भी उस जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करके कि किस प्रकार की प्रवृत्तियां उसमें प्रादुर्भूत होंगी, किस प्रकार की प्रवृत्तियां उसमें अभिव्यक्त होंगी, इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो एक बात ये बात आती है, ये भी एक साइंटिफिक बेस है कि हम बच्चे को संस्कारित कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। दूसरी बात आती है कि जो गर्भावस्था में जो हमारे बच्चा जो होता है 14 दिन के बाद से उसकी मेमोरी वर्कआउट होने लगती है। हमने जैसा अभी अपन ने चर्चा करी कि सारी चीजों को बच्चा ग्रहण कर रहा है, आत्मसात कर रहा है, माँ जो भी कुछ कर रही है उस सब को वो आत्मसात कर रहा है। और इसमें फिर बता रहे हैं कि हम ये ना सोचे कि हम वातावरण पे डिपेंडेंट है, वातावरण के प्रति अपने परसेप्शन को बदल कर माँ संस्कारित कर सकती है, इसको अभी अपन आगे और देखेंगे। तो ये जो 14 दिन के बाद से, कंसेप्शन के 14 दिन के बाद से जो इम्प्लिसिट मेमोरी हमारी, मतलब बच्चे के अंदर जो मेमोरी है वो वर्कआउट हो जाती है, स्मृति आकार लेने लग जाती है। और इसमें जो मेमोरी वर्कआउट होती है वो मेजर होती है इम्प्लिसिट मेमोरी। अब ये इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है, तो आपने सुना होगा शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी नाम सुना होगा। ऐसे ही एक और वर्गीकरण है इम्प्लिसिट मेमोरी और एक्सप्लिसिट मेमोरी। तो जो एक्सप्लिसिट मेमोरी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंतर्गत आती है और इम्प्लिसिट मेमोरी है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। तो अब ये इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है, जैसे हम जो भी कुछ हमारी जो क्रियाएं होती हैं, जैसे तैरना हम सीखते हैं, साइकिल चलाना हम सीखते हैं, है ना, जो इस प्रकार की जो भी चीजें हम सीखते हैं वो सारी की सारी इम्प्लिसिट मेमोरी में जाती है। अब आप हम अच्छे से जानते हैं कि एक बार तैरना सीख लिया, हम कई वर्षों तक नहीं भी तैरेंगे तो भी हम तैरना नहीं भूलते। साइकिल चलाना सीख लिया, हम कई वर्षों तक साइकिल नहीं चलाएंगे तो भी हम साइकिल चलाना नहीं भूलते। जब साइकिल सामने आएगी हम उसको चलाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इम्प्लिसिट मेमोरी के अंदर, यानी बेसिकली देखा जाए तो सबकॉन्शियस में चीजें जा रही हैं और वो सहज अभिव्यक्ति में आ जाती है। एक तो ये कभी भूली नहीं जाती, ठीक है ना, जो भी कोई चीजें इम्प्लिसिट मेमोरी में जाती है वो भूली नहीं जाती, वो संस्कार के अंतर्गत चली जाती है, जो सहज अभिव्यक्ति का, सहज स्वभाव का हमारा अंग बन जाती है। तो बच्चे की जो है, बच्चे की गर्भकाल से लेकर कुछ महीने तक, जन्म के बाद कुछ महीने तक मेजर इम्प्लिसिट मेमोरी ही वर्कआउट होती है। तब तक हम जो भी कुछ उसको फीड कर रहे हैं, जो भी कुछ उसको मेंटली इमोशनली या जो कुछ उसके सामने वर्बली भी डाल रहे हैं, सोच कर डाल रहे हैं, भाव के रूप में डाल रहे हैं, वो सब इम्प्लिसिट मेमोरी में जा रहा है और वो उसके स्वभाव का सहज अंग बन जाएगा, सहज अभिव्यक्ति बन जाएगा, संस्कार बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए भी ये जो है ये बच्चे के श्रेष्ठ जीवन की नींव डालने का सबसे बेहतर तरीका है। फिर गर्भ में बच्चा सुनता भी है और सुनने के बाद प्रतिक्रिया भी देता है। मियामी यूनिवर्सिटी के हेनरी ट्रवी ने अपनी शोध के अनुसार ये बात कही है कि बच्चा गर्भ में सुनता भी और सुनने के बाद प्रतिक्रिया भी देता है। जब दूसरा जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, आप जानते हैं कि जो 9 महीने का है उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, ऐसे 3-3 महीनों के उसमें विभाजन किया गया है। तो जो दूसरा त्रैमासिक होता है उसमें 4थे माह में शिशु आवाज पहचानने लगता है और आवाज के प्रति प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है। 6थे माह में उसके भावनात्मक केंद्र बन जाते हैं और प्यार, खुशी, दुख, तनाव आदि पहचानने लगता है। वो इमोशंस को, फीलिंग्स को भी वो परसीव करने लगता है, जानने समझने लगता है और उसके अनुरूप एक्ट करने लगता है। ऐसे ही तीसरा जब त्रैमासिक आता है तब उसके याददाश्त और सीखने के केंद्र बन जाते हैं। ये हमारे कुछ फैक्ट्स हैं जो वैज्ञानिक फैक्ट्स हैं, इसके आधार पर हमें संवाद का पूरा आधार खड़ा करता है, इसलिए अपन इनको चर्चा कर रहे हैं। तो तीसरे त्रैमासिक के अंतर्गत याददाश्त और सीखने के केंद्र बन जाते हैं, कई भाषाओं को सीखने की क्षमता विकसित होती है। लगभग 5,000 शब्द बच्चा 24 घंटे में सीखता है। तो दिन भर में लगभग यदि हम 4 घंटे का संवाद यदि हम करें तो बच्चा उसको यदि शब्द से भी करते हैं तो वो उसको सीख सकता है। अब तो ये सारी बातें हुई, ये सारे हमारे आधार हैं जिसके बेस पर हमारा ये गर्भ संवाद की जो हमारी चर्चा है वो कार्य करती है, है ना। तो अब ये बात पकड़ में आती है कि सारा कुछ ये वो समय है जब माँ यदि सजग, सतर्क और प्राणवान और सक्रिय तरीके से बच्चे को इस बात पे ध्यान रखकर कि वो अब अकेली नहीं है, देखिए ये गर्भ संवाद का बेस बनेगा, बच्चा उसके साथ है,
वो जो कुछ कर रही है वो अकेली नहीं कर रही, बच्चा भी कर रहा है, उसे सीख रहा है, उसे आत्मसात कर रहा है। ये बात सबसे पहली माँ को ध्यान रखनी होगी, ठीक है ना। ये हमारे गर्भ संवाद का बेस बनेगा, ठीक है। और जो कुछ हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं वो इस समय सिखा सकते, सारे अच्छे विचार, अच्छे गुण, चारित्रिक नैतिक गुण हो, या उसके पर्सनालिटी के अंदर कोई एट्रीब्यूट जागृत करना चाहते हैं, उसमें अच्छे गुणों का विकास करना चाहते हैं, उसकी क्रियाओं को, डिफरेंट क्रियाओं को, उसकी बौद्धिकता, इंटेलिजेंस आदि सबको हम इस समय डेवलप कर सकते हैं, सब प्रकार की संवेदनशीलताएं उसके अंदर विकसित कर सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण काल है माँ के पास। और किसी ने, मतलब मनोवैज्ञानिकों का तो इतना कहना है कि हमारे पास बच्चे को जो संस्कार देने का समय है तो गर्भ काल से लेकर 5 वर्ष तक का, ज्यादा नहीं ज्यादा 7 वर्ष, क्योंकि तब तक बच्चे में आप जो चाहे संस्कार, इसके बाद आप संस्कार नहीं दे सकते, उन्हीं संस्कारों को पुष्ट किया जा सकता है या उन्हीं संस्कारों के सहारे बच्चा जो है आसपास से चीजों को सीखेगा। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण काल है, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा, उस सजगता सक्रियता को बनाए रखना होगा, ठीक है ना। अब इस गर्भ संवाद के अंतर्गत दो बातें हैं, गर्भ से मतलब है गर्भ शिशु और संवाद का मतलब है सम्यकवाद। सम्यकवाद यदि, सम्यक से मतलब होता है सही, यदि संवाद जो होता है वो हमारा हर दृष्टि से सही होना चाहिए। पहले अब इसमें संवाद को एक बात समझ लीजिए कि संवाद केवल वार्तालाप नहीं है, ठीक है ना। वार्तालाप में गहराई नहीं होती, गंभीरता का अभाव हो सकता है, हम केवल टाइम पास के लिए बात कर सकते हैं, किसी विषय पे बात हो सकता है उसको उसकी गंभीरता से, पर संवाद गंभीर होता है। और संवाद का बेसिक मतलब जो होता है कम्युनिकेशन, केवल वर्बल बातें नहीं होती, कम्युनिकेशन का जो भी कम्युनिकेशन, मानसिक भी हो सकता है, भावनात्मक भी हो सकता है, ये आप हम सब जानते हैं। तो संवाद जो है उसका जो बेसिक मीनिंग है कम्युनिकेशन, और संवाद का जो हम उसको यदि हम संधि विच्छेद करें तो सम्यक वाद, यानी सही तरीका, सही तरीके से बातचीत करनी। अब सही हर दृष्टि से होना चाहिए, सही हर दृष्टि से क्या मतलब है, सही एक तो जो बात कही जा रही है वो यथार्थ औचित्यपूर्ण, दूसरी जो बात हम कह रहे हैं वो सही इस दृष्टि से भी हो कि हमारा उस पर, यानी माँ का उस पर दृढ़ विश्वास हो, ठीक है ना। तो उन दोनों ही दृष्टि से वो बात कही जानी चाहिए, क्योंकि जिस बात पर हमारा विश्वास होता है उस पर हमारा प्राण बल लगा होता है और वो प्रभावी होती है, ठीक है ना। अब और क्या होना चाहिए सही के अंतर्गत, यदि हम देखें तो एक गीता का जो श्लोक आता है, सत्यम प्रियम हितम च, यानी हमारा जो भी संवाद हो वो यथार्थ औचित्यपूर्ण हो, यथार्थ की दृष्टि से औचित्यपूर्ण हो, और हितकारी हो, और प्रिय लगने वाला हो, मधुर हो, मीठी वाणी में, कर्ण प्रिय वाणी में कहा गया हो, अच्छा लगने वाला हो, हिंसात्मक शैली में न कहा गया हो, ग्रहणशील हो, आदमी को कन्विंस करने के बेस पर कहा गया हो, है ना, उसको प्रेम के आधार पर कही गई वो बात हो, उसके लिए कल्याणकारी वो बात हो, हितकारी बात हो, इस बात को ध्यान में रखते इस प्रकार का संवाद हमारा होना चाहिए, ठीक है। और संवाद माँ को करना है या कोई भी व्यक्ति संवाद करता है घर के अंदर, अभी अपन संवाद के विभिन्न तरीके देखेंगे, तो उसमें सारा वातावरण एक प्रकार से देखा जाए, माँ के आसपास का वातावरण, वो सब संवाद कर रहा है, लोग जितने हैं वो भी संवाद में शामिल है, पर उसपे जो मेजर काम आता है वो माँ का आता है। तो जो भी बातें हों, जो भी यदि हम वर्बल वाणी में भी वो बात कहते हैं तो मधुर हो, कर्णप्रिय हो, है ना, और रिसेप्टिव होने, मतलब रिसेप्टिविटी में आदमी को, व्यक्ति को या बच्चे को खड़ा कर सके, बच्चे को उसको सुंदर अच्छा लगे, है ना, उसको उत्साह का अनुभव हो, वो उसको उस हितकारी लगे, इस प्रकार का संवाद होना चाहिए। तो अब इसमें जो अपन ने एक चर्चा करी थी अभी कि संवाद जो है ये कम्युनिकेशन है और इसके कई तरीके हैं, एक तो वैखरी वाणी से संवाद हो सकता है, नहीं जो वर्बल है, दूसरा मध्यमा वाणी द्वारा, जो हम बॉडी लैंग्वेज होती है ना, बॉडी लैंग्वेज के आधार पर भी जो संवाद होता है वो मध्यमा कहलाता है। आप बोले, आपको लग सकता है कि बच्चे के साथ बॉडी लैंग्वेज क्या, तो एक बात बताएं, बॉडी लैंग्वेज फीलिंग्स है आपकी, ठीक है ना, तो आपकी जो फीलिंग्स आ रही है, थोड़ा सा इमोशन तो फीलिंग्स बनता है, जो प्राण पर आ जाती है चीज वो फीलिंग कहलाती है, इमोशंस थोड़ी और गहरी चीजें होती है, ये सही है कि इमोशंस फीलिंग्स पे आते हैं, ठीक है ना। तो फीलिंग के जो रूप में आता है, तो माँ जो कुछ फील कर रही है
ना, इसलिए माँ का परसेप्शन, वो इमोशंस और अंडरस्टैंडिंग के द्वारा माँ अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकती है, इस बात को हमको समझना होगा, ठीक है ना। और उसके माध्यम से भी वो कम्युनिकेट कर रही है बच्चे को। पश्यंती वाणी टेलीपैथी जिसको हम जानते हैं, या जिसको हम कहें विचार द्वारा, विचार संप्रेषण की जो वाणी होती है उसे पश्यंती वाणी कहते हैं ना। टेलीपैथी के रूप में इसको हम देख सकते हैं अपने जीवन में, कि कहीं कई बार हमारे साथ ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं कि हमने अभी किसी का ध्यान किया, अचानक से उसका फोन आ जाता है। इसका मतलब ये है कि उसने वहां आपका ध्यान किया और आपको उसका याद आया और एक कम्युनिकेशन बना, ठीक है ना। कभी कभी हमको पता लग जाता है कि अरे लगता है वो व्यक्ति आने वाला है और वो व्यक्ति आ जाता है। तो ये सब टेलीपैथी है और ये विचार संप्रेषण के द्वारा ये कार्य हो रहा है, ठीक है। फिर परावाणी द्वारा इनर वॉइस, इसको सोल कनेक्शन कहते हैं। परावाणी जो होती है योगियों के द्वारा होती है, वो सीधे सीधे संकल्प और प्रेरणा शक्ति, अंतः प्रेरणा के रूप में हम इसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होती है, ये इस तरीके की चार प्रकार का संवाद, जो प्राय परावाणी का संवाद, योगी गुरु परमात्मा से जो हमारा संवाद है वो परावाणी के रूप में ही होता है, ठीक है ना। तो ये होते हैं सारे गर्भ संवाद के, जो इन इन तरीकों से हम गर्भ संवाद से क्या हमको लाभ होते हैं और उसके फिर तरीके क्या होते हैं ये हम जानेंगे। तो अभी तो हमें समझ में आया संवाद क्या है और किस तरीके से हम संवाद होता है बच्चे और माँ के बीच में हो सकता है और किसी भी व्यक्ति के बीच में हो सकता है। अब गर्भ संवाद के जो लाभ आते हैं उसमें आता है, उससे क्या लाभ होते हैं। तो बच्चे और माँ के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है। जब माँ कॉन्शियसली या विथ अवेयरनेस या विथ सजगता, जब माँ बच्चे के प्रति कॉन्शियस होकर या सजग होकर अवेयर होकर जब ये काम करती है, संवाद करती है, बच्चा उसके साथ जुड़ा हुआ है, बच्चा जो कुछ माँ कर रही है उसको सुन रहा है, सीख रहा है, जब ये भाव माँ का रहता है तो बच्चे और माँ के बीच भावनात्मक जुड़ाव, यानी उसके साथ जो एक कंसर्न और उसके साथ जो एक कम्युनियन का जो भाव माँ के अंदर रहता है, ये भावनात्मक जुड़ाव जो है उसके अंदर बढ़ाता है। माँ जब उससे विभिन्न प्रकार से संवाद करती है, ध्यानपूर्वक जब करती है, तब भी उसका भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है। और जितना माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक जुड़ाव सघन होगा, उतना बच्चे का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास सुदृढ़ रूप से होगा। फिर गर्भस्थ शिशु का संपूर्ण विकास, ये जैसे अभी अपन ने कहा कि भावनात्मक जुड़ाव जब पड़ता है तो उसका संपूर्ण विकास होता है। संपूर्ण विकास देखिए, यदि कई बार हम देखते हैं कि ज्यादातर एक्सीडेंटल संतानें, एक्सीडेंटली हम लोग बिना किसी प्लानिंग के बच्चे को गर्भस्थ हो जाता है, और फिर गर्भस्थ होने के बाद माता पिता का रवैया, वातावरण उसी तरीके से, अपनी एक्शन रिएक्शंस उसी तरीके से चलती रहती है। बच्चा जैसे तैसे बढ़ भी जाता है, कुछ कुछ चीजें सीख भी जाता है और शारीरिक रूप से विकसित भी हो जाता है, पर जब गर्भ संवाद किया जाता है ना, जब ध्यान पूर्वक बच्चे को संस्कारित करने के लिए माँ सजग पूर्वक कार्य करती है, तो गर्भस्थ शिशु का संपूर्ण विकास होता है ना। जब अभी अपन देखेंगे संवाद के विभिन्न तरीके, तो हम पाएंगे कि किस तरीके से उसका मानसिक विकास हो रहा है, बौद्धिक विकास हो रहा है, भावनात्मक विकास हो रहा है, किन किन प्रक्रियाओं से उसके का इवन आध्यात्मिक विकास हो रहा है। तो गर्भ संवाद से दूसरा लाभ ये होता है, शिशु को संस्कारवान व्यक्तित्व वाला बनाया जा सकता है। अपन जान रहे हैं इम्प्लिसिट मेमोरी और एपिजेनेटिक्स दोनों के हिसाब से यदि हम देखें, इस समय बच्चे का सूक्ष्म शरीर और उसमें भी अवचेतन मन है वो ज्यादा सक्रिय है, इसलिए बच्चे में जिस भी प्रकार के संस्कार हम चाहें वो डाल सकते हैं, वो जीवन मूल्य उसको सारे सिखा सकते हैं जो एक श्रेष्ठ मानव के लिए, दिव्य मानव, एक देव मानव के लिए आवश्यक है। तो शिशु को संस्कारवान व्यक्तित्व वाला बनाया जा सकता है। मस्तिष्क का विकास बेहतर ढंग से होता है जब संवाद होता है, उसके हम आपको विभिन्न तरीके जब अपन देखेंगे तो आप देखेंगे कि मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स का कनेक्शन है वो प्रॉपरली होता है। फिर मस्तिष्क में जो जिस प्रकार से हम मानसिक और बौद्धिक उसका विकास कर रहे हैं, तो वो फैकल्टीज ब्रेन की भी एक्टिवेट होने लग जाती है, तो मस्तिष्क का विकास भी जो है वो बेहतर ढंग से होता है। बच्चे की आत्मीयता का विस्तार होता है ना, हम बच्चे के प्रति सजग हैं, बच्चा भी देखा जाए तो माँ से कम्युनिकेट कर रहा है, वातावरण से कम्युनिकेट कर रहा है, माँ लोगों के थ्रू है ना, वातावरण के थ्रू घर परिवार के लोगों से माँ कम्युनिकेट कर रही है और बच्चे को ध्यान में रखकर उसको अपने साथ शामिल कर रही है, तो उसका भी जो आत्मीयता का दायरा है वो बढ़ रहा है। तो एक सेल्फ आइडेंटिटी, जिसको हम बिल्कुल बोलते हैं, एक लिमिटेड सेल्फ आइडेंटिटी से उसकी आत्मीयता का दायरा विस्तार पाता है, ठीक है ना। बच्चे में सुरक्षा का एहसास होता है, वो सिक्योर महसूस करता है, आई एम नॉट अलोन, वो एक 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 वातावरण को छोड़कर आया, एक दूसरे वातावरण के साथ कम्युनिकेशन बना रहा है, कनेक्शन बना रहा है और उसे अपना
जो जो एक नए वातावरण में वो आ रहा है उसमें उसे सुरक्षा महसूस होती है कि यहाँ माँ है जो मुझे समझने वाली है, जो मुझे जान, जो मेरे प्रति कंसर्न फील कर रही है। ऐसे ही घर परिवार के अनेक लोग भी जब इस बात का एहसास रखते हैं, उसे इस बात को ध्यान में रखते हैं कि एक ईश्वर का अंश इस हमारे हमारे इस परिजन के या इस माँ के गर्भ में आकार ले रहा है और वो हमारे बीच आ रहा है, इस बात का जब ध्यान रखते हैं और उस तरीके से उसके स्वागत की तैयारियां करते हैं, उसके प्रति ध्यान रखकर सारे वातावरण को बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं, उसको संस्कारित करने में सहयोग प्रदान करते हैं, तो बच्चे में सुरक्षा का एहसास आता है ना, उसको एक कनेक्टिविटी फील होती है अपने सराउंडिंग के साथ, एक नए वातावरण के साथ। दूसरा तो सजगता, समर्पण और विश्वास के साथ किया गया संवाद बच्चे के अंदर जड़ जमा लेता है। ये अपन ने सारी अभी जितनी बातें करी इसमें पूरा बात है कि एक अवेयरनेस के साथ, एक अटेंटिविटी के साथ और समर्पण के साथ, डेडिकेशन के साथ बच्चे को संस्कारित करना है। ईश्वर ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना, ईश्वर अपने अपने आप को इस जीवात्मा के द्वारा प्रकट करना चाहता है और उसने ये सौभाग्य हमें दिया है कि हमारे बीच वो आना चाह रहा है, और माँ को ये सौभाग्य दिया है कि वो अपने एक्सप्रेशन के लिए उस परमात्मा ने इस माँ को, इस माँ के शरीर को और इस परिवार के वातावरण को कंड्यूसिव माना है और वो इस इसके लिए अभिव्यक्त होने के लिए आ रहा है। तो जब इस डेडिकेशन के साथ जब घर परिवार के लोग और माँ तैयार होती है और पूरे विश्वास के साथ कि उसको जब ईश्वर ने मुझे ये कार्य सौंपा है, ईश्वर ने मुझे इसके लिए एक एक टूल बनाया है, और तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे हमको इस लायक पाता है और इस विश्वास के साथ उस उसे संस्कारित करने में, उसको ईश्वरीय गुण संपन्न बनाने में, दिव्य गुण संपन्न बनाने में, दैवी गुण संपन्न बनाने में जब हम उसकी पूरी सहायता करते हैं तो फिर उसके अंदर वो संस्कार जड़ जमा लेते हैं और वो कार्य जो परमात्मा ने हमें सौंपा है वो हो पाता है। ठीक है ना, तो गर्भ संवाद कब करना चाहिए, यदि इस संदर्भ में भी हम देखें तो गर्भ संवाद के जो अलग अलग तरीके हैं उसका अलग अलग समय होता है। अभी अपन जब उसके तरीके देखेंगे तो उसमें ध्यान है, स्वाध्याय है, संगीत है, कहानी है, विभिन्न माध्यम लाएंगे, तो इसमें तीन समय बेहतर माने गए हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान द्वारा संवाद करें, मध्य मुहूर्त में स्वाध्याय द्वारा संवाद करें, उसी में हम कहानी भी ले सकते हैं, और संध्या मुहूर्त में संगीत द्वारा संवाद किया जा सकता है। तो गर्भ संवाद के जो विभिन्न तरीके हैं उसमें माँ का बच्चे से व्यक्तिगत संवाद के अंतर्गत आता है। उसमें सबसे बड़ी बात जो आती है वो है माँ का बच्चे से व्यक्तिगत संवाद में क्या बातें हैं, तो माँ हर वक्त बच्चे को अपने साथ होने का ध्यान रखे, शामिल रखे, है ना, आपकी हर चीज, आपकी हर एक्टिविटी में वो आपके साथ है, प्यार से अपनी सारी बातें उसके साथ साझा करें, है ना, आप एक एक, एक एक बोध के साथ भी आप हैं, एक भाव के साथ भी हैं कि ये बच्चा जो है ये सारी बड़ी बातें देख रहा है और उसको बताते चले, उस रीजन को जो आपके अंदर है उसको आप ये सोचकर कि या तो बच्चा रीजन को जान रहा है, उस रीजन को आप अपने अंदर रिवाइज करें, ध्यान करें, और या फिर इस तरीके से कि आप बच्चे से कह रहे हैं देखो अपने को ये करना है ना, है ना, अपन खाना बना रहे हैं तो खाना बनाते में अपन ये डाल दें, देखो ये डालेंगे तो ऐसी खुशबू आएगी, जो हम मन में सोचते हैं, या हमको स्वास्थ्य का ध्यान में रखकर हमको इस तरीके से खाना पकाना है, तो वो बातें भी बच्चे को कम्युनिकेट की जाए। छोटे छोटे निर्णयों में बच्चे को शामिल रखिए, है ना, कि बच्चा उस, ताकि उसके अंदर भी निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो सके, है ना, उस निर्णय को क्यों लिया गया है, कैसे सबके लिए फायदेमंद है, देखो हमारे लिए भी फायदेमंद है, ये है, इस तरीके से तो बच्चे में भी निर्णय लेने की क्षमता आती है। दैनंदिन जीवन के घटनाक्रमों से मिली सीख हेतु संवाद, जो भी अब ये सारे देखिए विभिन्न जो है व्यक्तिगत संवाद के विभिन्न तरीके हैं, गार्डनिंग कर रही है माँ और खाना बना रही है, अकेली बैठी है तो जो दिन भर की दिनचर्या रही उसमें जो कोई खास बातें आई हैं, है ना, कोई खास चीजों से गुजरे हैं, जो खास अनुभव रहे हैं उसको साझा करें कि देखो इससे हमको क्या सीख मिली, है ना, ये सीख मिली ना, तो अब अपन इस बात को ध्यान में रखकर ही हमेशा कार्य करेंगे, अपन अपने जीवन में इस बात को आत्मसात करेंगे। तो इस तरीके से माँ व्यक्तिगत रूप से संवाद कर सकती है। फिर है पारिवारिक आपसे बातचीत द्वारा संवाद, तो आपसी बातचीत में इस बात का ध्यान रखा जाए परिवार के सभी सदस्य, क्योंकि ये बच्चा केवल माँ के लिए नहीं आ रहा है,
केवल पिता के लिए नहीं आ रहा, ये परिवार का, समाज का एक अंग है और सबका नैतिक उत्तरदायित्व है कि इसे, इस ईश्वर के अंश को इस रूप में विकसित कर सके कि ईश्वर उससे स्वयं प्रकाशित हो सके। ये सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। और यदि इस ऐसा होता है तो हम सब लाभान्वित होंगे। ईश्वर किसी एक के लिए कार्य कर ही नहीं सकता, ईश्वर तो सबके लिए कार्य, न केवल व्यक्तिगत रूप। तो यदि बच्चा एक दिव्य और देवत्व के रूप में, दिव्य और देव पुरुष के रूप में विकसित होता है तो वो अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और पूरी मानवता के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस बात को ध्यान में रखकर पारिवारिक जो आपसी बातचीत है उसके प्रति भी हम सभी को सजग रहना पड़ेगा। परिवार के सभी सदस्यों को उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी बातचीत में कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे गर्भिणी खिन्न हो, बल्कि बातचीत हो उसमें इस बात का ध्यान रखें कि हमारी हर बातचीत को बच्चा सुन रहा है, सीख रहा है, वही उसके व्यवहार का अंग बन जाएगा। उसी तरीके से जैसा हमारा व्यवहार रहेगा वैसा ही वो हमारे साथ और सबके साथ व्यवहार करेगा। इसलिए आपसी बातचीत जो हो प्रेमपूर्ण हो, मधुर हो, धैर्यपूर्वक हो, शालीनता के साथ। आपसी बातचीत जो हो उसमें नकारात्मक बातचीत को न किया जाए, बल्कि सकारात्मक समाधान पर दृष्टिकोण के साथ समाधान पर और सकारात्मक बातचीत हो। समस्या पर ज्यादा ना हो, समस्या कभी आई भी है कोई चीज, उस पर चर्चा भी हो रही है तो उसको इस तरीके से किया जाए कि इसका समाधान क्या है, अपन तो इस और चले, इस पे देखें कि अपन इसको कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। तो ये बातें, कभी समस्या की चर्चा भी आ जाती है, समस्या का जिक्र भी हो जाता है तो उसके समाधान पर अवश्य चर्चा कर ली जाए। फिर आपसी बातचीत जो है बहुत मधुर तरीके से हो, बहुत लाउड वॉइस में बातचीत न करी जाए, क्लेशपूर्ण तरीके से, कलहपूर्ण तरीके से की हुई बातचीत से बच्चा भयभीत होता है, उसमें भय के संस्कार प्रबल होते जाते हैं, क्योंकि अंदर में, गर्भ के अंदर जो होता है वैसे भी साउंड की फ्रिक्वेंसी और एम्पलीफाई होती है, बाहर से ज्यादा एम्पलीफाई होकर बच्चा अंदर सुनता है। अंदर वैसे भी बहुत कोलाहल है, बच्चा कई प्रकार की आवाजें सुन रहा है और सब एम्पलीफाइड वे में जा रही है। उसको हमें दिल की धड़कन नहीं सुनाती, बच्चे को खूब लाउड आवाज आती है दिल की धड़कन अंदर में। तो इसलिए बहुत मधुर संवाद होना चाहिए, बहुत प्रेमपूर्ण तरीके से, बहुत आत्मीयतापूर्ण, शालीनतापूर्ण तरीके से और बहुत मीठी आवाज में, बहुत धीरे बात की जानी चाहिए, ठीक है ना। ये सारी सावधानियां भी हमको बरतनी होगी, ठीक है, आपसी बातचीत के द्वारा। अब इसके बाद जो अगला है वो हम ध्यान द्वारा संवाद कर सकते हैं। ध्यान को आप हम सब जानते हैं, किसी भी चीज पर फोकस करना, जैसे मैंने अभी ये सामने या मैं आपकी तरफ मुका दी तो मेरा ध्यान आपकी तरफ गया, कैमरे की तरफ गया, ठीक है ना। और तो जहां भी हम फोकस करते हैं, एकाग्रता को ध्यान कहते हैं, जिस पर हम फोकस किए वो ध्यान है हमारा। और ध्यान योग क्या है, योग यानी जुड़ना, ध्यान यानी एकाग्रता। और जुड़ना किससे, तो हम अपने इष्ट के साथ जो जुड़ते हैं उसे योग कहा जाता है। इष्ट हमारा जिस एक 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 टाइम फ्रेमवर्क में, एक देश काल में कोई एक पर्टिकुलर इष्ट हो सकता है। सपोज कि अभी हम इस बच्चे के ऊपर, तो बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना ये भी एक योग है, उसके साथ कम्युनियन स्थापित करना, ठीक है ना। वैसे जो योग हम जो एक व्यापक अर्थों में लेते हैं वो है इष्ट यानी परमेश्वर। हमारा सबका इष्ट क्या है, परमेश्वर है। हम बच्चे के साथ भी जो कम्युनियन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसे एक आत्मा, एक जीवात्मा, एक ईश्वर के अंश के रूप में उसे हम मान रहे हैं। तो देखा जाए, आप हम यदि आपस में इस प्रकार से ध्यान दें कि हर व्यक्ति में, हर व्यक्ति परमात्मा का अंश है और हम उस व्यक्ति के उस ईश्वरी अंश से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप बताइए हमारा दैनंदिन जीवन, हमारा जो जीने का तरीका, हमारे कार्य व्यवहार का तरीका योगमय हो जाएगा, पूरा योगस्थ योगमय हो जाएगा। हम खुद परमात्मा के अंश है, परमात्मा के साथ कम्युनियन में है और ये सभी कुछ जो है, ये सारा कुछ जो हमारे सामने मौजूद है दृश्य के रूप में, ये भी ईश्वर स्वरूप है। तो इसको, इसे ही ध्यान योग, मतलब इस चीज को अचीव कर लेना, ये ध्यान योग कहलाता है। खैर, यहाँ जो हम ध्यान द्वारा संवाद की बात कर रहे हैं उसमें जो हम मेडिटेशन जिसको कहते हैं, इस ध्यान की जो प्रक्रिया, जिसको मैंने आपको कहा कि हमारा संपूर्ण जीवन शैली, जीवन जीने का तरीका योगमय हो जाए, इसको पहुंचने के लिए जो हम मेडिटेशन की मेथड यानी जो ध्यान की प्रक्रिया अपनाते हैं, है ना, वो इसीलिए अपनाई जाती है कि ताकि हमारा जो समूचा, हमारा समूचा अस्तित्व, हमारा समूचा व्यक्तित्व एक एज एन इंडिविजुअल जो है वो समष्टि के साथ
यानी परमात्म चेतना के साथ एकात्म हो जाए, यानी योग विद इन एंड योग आउटसाइड, ये ध्यान की प्रक्रिया का जो है वो सार है, वो उसको अचीव करना ये हमारा लक्ष्य होता है ध्यान का। अब ध्यान में होता क्या है, ध्यान की प्रक्रिया जब हम ध्यान को मेडिटेशन को जब हम करते हैं तो शारीरिक प्राणिक मानसिक बौद्धिक भावनात्मक और आध्यात्मिक सारे हमारे अस्तित्व की जो में स्व की जितनी भी जो ये क्रियाएं हैं इसकी जो शक्तियां हैं क्षमताएं हैं योग्यताएं हैं ये सब जागृत होती है, सारी की सारी जागृत होती है, इनका संवर्धन होता है और ये सब समन्वय में आती है, यानी इन सब में कोऑर्डिनेशन एक इंटीग्रेशन एक रूपता एक सामंजस्य पैदा होता है, हार्मनी विद इन एंड हार्मनी आउटसाइड। और हम इसके बाद जो चेतन स्वरूप में जो यूनिवर्सल चेतना है ईश्वर के साथ एकात्मता का जो अनुभव करते हैं उससे समष्टि के साथ, तो व्यष्टि और समष्टि की एक रूपता बनती है, ठीक है ना, एक हार्मनी पैदा होती है और इन सब शक्तियों का जागरण संवर्धन भी होता है, सारी प्रक्रियाएं जाती है योग्यताएं क्षमताएं जाती है, ये है ध्यान की पूरी प्रक्रिया, ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और इसके द्वारा हम बच्चे के अंदर भी हम जब इस भाव के साथ ध्यान करते हैं कि हम चेतन रूप से शरीर में मन में पहले ये चेतना रूप से हम परमात्मा के साथ एकात्म है, पूरी समझने के साथ पूरे के साथ एक है, हमारा सारा कुछ जो भी अभिव्यक्ति वो पूरी एकात्म हो रही है, पूरी हार्मनी में आ रही, सामंजस्य हो रही, समस्त शक्तियों का जागरण हो रहा है संवर्धन हो रहा है। जब इस प्रकार से हम ध्यान की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो वो योग का रूप ले लेती है, हमारे अस्तित्व को हमारे आने को हमारे जीवन को हमारी अभिव्यक्ति को सार्थक बना देती है। और यही हम बच्चे के अंदर मेडिटेशन ध्यान की प्रक्रिया द्वारा कर सकते हैं, बच्चे में भी इसी प्रकार का बच्चा इसी प्रकार ध्यान करना सीखेगा। और जब माँ इस प्रकार से ध्यान करती है तो चूंकि बच्चे के हमने जैसे बताया कि जैसा जैसा ध्यान माँ का हो रहा है जैसा जैसा माँ के साथ घट रहा है वो सब बच्चे के साथ घट रहा है, तो बच्चे में भी वो अपने आप उस प्रकार के जागरण संवर्धन होते जाते हैं, इंटीग्रेट पर्सनैलिटी के रूप में वो विकसित होता जाता है। तो ध्यान के प्रभाव से और क्या क्या चीज, ध्यान के क्या क्या प्रभाव होते हैं, तो एक बात कही जाती है कि 17 सेकंड तक यदि कोई विचार पर हम फोकस करते हैं तो विचार आकार लेने लगता है, यानी साकार होने लगता है, यानी वो परिस्थिति का निर्माण करने लग जाता है। तो फोकस्ड विचार द्वारा हम परिस्थिति का निर्माण कर सकते हैं। अच्छे हॉर्मोन्स का सीक्रेशन इस समय ध्यान में देखा गया है शोधों के द्वारा कि इस समय सेरोटोनिन हुए न्यूरोट्रांसमीटर्स जो अच्छे अच्छे हुए इस प्रकार के अच्छे अच्छे हॉर्मोन्स और का सीक्रेशन बढ़ जाता है जिससे हमारे अंदर उत्साह खुशी बढ़ती है अच्छे संबंध अच्छे विचार आत्मविश्वास आत्मगौरव सहनशीलता धैर्य निर्णय लेने की क्षमता जैसी कई जो है अच्छी चीजें विकसित होती है। फिर ये पाया गया है कि ध्यान के दरमियान हमारा मन शांत हो जाता है, मन मस्तिष्क शांत हो जाता है ना, सकारात्मक विचार होते हैं, तो ऐसे में अल्फा तरंग हमारे ब्रेन के जो है ब्रेन में अलग अलग समय पर अलग अलग देखा जाए तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरंगे पैदा होती हैं, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा आदि, तो उसमें जो सबसे काम स्टेट होती है सबसे शांत स्टेट होती है उसमें अल्फा तरंग बनती है और ये हमारे ब्रेन को हमारी टोटल बॉडी को रिजुविनेट भी करती है ना, एक हीलिंग कैपेसिटी होती है, तनाव मुक्त बनाती है अल्फा तरंग, ठीक है, और निर्णय लेने की क्षमता जब रिजुविनेट होता है ब्रेन तो सारी जो होती है उसकी सारी क्रियाएं जो होती है और सारी फैकल्टीज जो होती है वो जागृत होती है। तो इस तरीके से अल्फा तरंगे बढ़ती हैं, इसके अंदर शांत होता है मन, तनाव मुक्त होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, स्मृति बढ़ती है, सीखने की क्षमता बढ़ती है। ऐसे ही मस्तिष्क के दोनों हिस्सों में जो हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन होता है, लॉजिकल माइंड और राइट ब्रेन एन इमोशनल माइंड और लेफ्ट ब्रेन एन लॉजिकल माइंड, ये दोनों माइंड जो होते हैं वो संतुलन में आते हैं, नहीं तो क्या होता है किसी में इमोशनल पार्ट ज्यादा है किसी में लॉजिकल पार्ट ज्यादा है, असंतुलन रहता है और वो हमारे कार्य व्यवहार सोचने की पद्धति एटीट्यूड सबको प्रभावित करता है। तो जब दोनों मस्तिष्क संतुलन में आते हैं ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा, इमोशंस और लॉजिकल ब्रेन इंटेलिजेंसिया और इमोशंस का आपस में समन्वय होता है, हार्मनी बैठती है, दोनों एक दूसरे को संतुलित करते हैं। इंटेलिजेंसिया का उपयोग सर्व कल्याणार्थ और सबके प्रति जो भाव है वो
कैसे किस तरीके से चरितार्थ हो, इस प्रकार इंटेलिजेंशिया उसको कंट्रोल करता है। तो मस्तिष्क के दोनों हिस्से संतुलित होते हैं, एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में बच्चा और माँ दोनों विकसित होते हैं। फिर ये पाया गया है कि ध्यान के दरमियान कॉर्टेक्स एरिया में ग्रे मैटर बढ़ जाता है ना, बोलते ना इसके वैसा नहीं ना, आपने कोई भैया कोई किसी का बहुत ज्यादा, तो इसीलिए कॉर्टेक्स एरिया में जब ग्रे मैटर बढ़ता है तो पाया जाता है कि व्यक्ति की स्मृति बढ़ती है, उसकी बुद्धिमत्ता बढ़ती है और उसकी कार्यकुशलता बढ़ती है। जैसे कहते हैं ना जिसके ग्रे मैटर, बोले इसका ग्रे मैटर बहुत ज्यादा है, बहुत फर्टाइल ब्रेन है, जो बहुत क्रिएटिव टाइप का व्यक्ति होता है वो, तो क्रिएटिविटी भी इसमें कॉर्टेक्स एरिया में ग्रे मैटर बढ़ने से बढ़ती है ध्यान के द्वारा। हिप्पोकैम्पस में वृद्धि होती है, हमारा जो ब्रेन का हिप्पोकैम्पस एरिया होता है उसमें वृद्धि होती है, जो सीखने और याद रखने के लिए की क्षमता में बढ़ोतरी करता है। फिर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में वृद्धि होती है ब्रेन के, जो आत्मविश्वास के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो निर्णय लेने की क्षमता, कार्य कुशलता, बुद्धिमत्ता, सहनशीलता, धैर्य और बोलना चाहिए वक्तृत्व की क्षमता, है ना, दोनों और इमोशंस और इंटेलिजेंशिया का संतुलन, तो इस प्रकार की बहुत सारे व्यक्तित्व के अंदर बहुत सशक्त व्यक्तित्व के रूप में बच्चा ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा विकसित हो सकता है। कार्डियक आउटपुट इस समय कम हो जाता है ध्यान के समय में, तो तनाव जनित जितने भी रोग होते हैं, उच्च रक्तचाप हुआ और हृदय गति का बढ़ना आदि, तो ऐसे तनाव जनित जितने भी रोग होते हैं उनसे बचा जा सकता है। फिर ये देखा गया है ध्यान के दरमियान रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती, क्योंकि एंटीबॉडी फॉर्मेशन बढ़ जाता है ना, मनी शांत रहता है जब मन, तो अंदर की जो वाइटैलिटी है वो इंक्रीज होती है, जिससे एंटीबॉडी फॉर्मेशन भी बढ़ता है। फिर ये देखा गया है कि चूंकि दोनों मस्तिष्क संतुलित हो रहे हैं, ये सारी चीजों में बढ़ोतरी हो रही है, मन शांत हो रहा है, बौद्धिक क्षमताएं बढ़ रही हैं, मस्तिष्क की क्षमताएं बढ़ रही हैं, तो इसमें एक और बात आती है, वो है विवेक, उचित अनुचित, क्योंकि जब मन शांत होता है तब हम चीजों को सही तरीके से देखते हैं। ध्यान में एक सबसे बड़ी बात जो होती है वो होता है दृष्टा का डोमिनेंस। ध्यान की आप जितनी भी प्रक्रिया देखें तो आप ये पाएंगे कि हमारे अंदर का दृष्टा, और दृष्टा जितना सबल होता है उतना ही हमारे कोई भी कार्य को, जब भोक्ता और कर्ता सबल होता है, आप खुद देख सकते हैं, आप इन वर्ड्स को ही देखेंगे तो जब भोक्ता और कर्ता सबल होता है तो आप समझ सकते हैं कि यदि भोक्ता प्रबल है तो फिर बहुत सारी चीजों के क्या प्रभाव है, तो हम प्रभावित होकर कार्य करेंगे, करता है तो आईनेस के साथ, तो तब भी हमारी जो बोलते हैं परपेचुअलिटी जो रहती वो बढ़ जाती है। पर वही दृष्टा है वो संतुलित होगा, देखेगा, जानेगा, फिर दृष्टा के अंतर्गत कर्ता और भोक्ता, ध्यान की प्रक्रिया में ये बहुत बड़ी बात है कि दृष्टा के अंडर कर्ता और भोक्ता, ठीक है ना, इस प्रकार की प्रक्रिया बनती है। तो विवेक यानी औचित उचित अनुचित, जब दृष्टा प्रबल होता है तो विवेक जागता है, तो विवेक उचित और अनुचित को समझने की क्षमता हमारी बढ़ती है, संयम बढ़ता है ध्यान के द्वारा, ठीक है ना, और संयम और विवेक बढ़ने से भावनाओं पर नियंत्रण, फीलिंग्स पर, तो इससे इस समय भी जैसे जैसे तो भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ता है तो नैतिक और चारित्रिक मूल्यों को स्थापित करने में आसानी होती है। फिर बता रहे कि ध्यान जो कर रहा है, यदि माँ कर रही है, तो यह कि यही चीजें सब बच्चे के अंदर भी घट रही है। अब सोचिए कि अभी से वो बच्चा एक तो ध्यान का संस्कार और ध्यान के ये सारे फायदे से वो लाभान्वित होता जा रहा है ना। इसी प्रकार ध्यान का समय यदि हम देखें तो क्या होगा, तो ध्यान का समय सबसे बढ़िया ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, क्योंकि इस समय कॉस्मिक एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। आप हम सब जानते हैं कॉस्मिक एनर्जी जो जो इस विराट चेतन में जो चेतना समाई हुई है उसका जो डायनामिक फॉर्म है वो इस समय सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहता है, उसका लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, और उसी कॉस्मिक एनर्जी के सहारे ही हम सब कार्य करते हैं, हमारे सारे क्रियाकलाप उसी के द्वारा होते हैं, ठीक है ना। तो उसका लेवल बहुत हाई होता है, हमारा मन शांत होता है, आसपास का वातावरण शांत होता है, तो हमारी हमारा ध्यान सहज हो जाता है, आराम से लग पाता है ध्यान, और ऐसे में उस कॉस्मिक एनर्जी के प्रति हमारी रिसेप्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, या 4 से 6 तक, सूर्योदय से 2 घंटे पहले से ब्रह्म मुहूर्त का समय
प्रारंभ हो जाता है। तो ये सबसे बढ़िया समय है, इसके लिए कोई आवश्यकता, आप ध्यान अपने जहां उठकर बैठे हैं बस थोड़े से सजग सतर्क हो जाइए, और सोकर यदि उठे आप वहीं पर भी ध्यान कर सकते हैं, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा नियम धर्म का प्रतिबंधन नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के समय में भी ध्यान को करते हैं तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा तीनों संध्या काल, जो भी संध्या काल होते हैं उस समय भी हमारा ये जो ब्रह्म मुहूर्त भी एक प्रकार का संध्या काल ही है, पर इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल हाई है, पर बाकी के भी संध्या कालों में फिर से एनर्जी लेवल, क्योंकि एक ट्रांजिशन फेज से प्रकृति गुजर रही है, तो जब जब ट्रांजिशन होता है तो कॉस्मिक एनर्जी का लेवल हाई होता है इस प्लैनेट के ऊपर, ठीक है ना। वो जिस भी प्लैनेट पर ट्रांजिशन होगा उस प्लैनेट पर ये काम होगा, जहां पर भी होगा, जिस भी देश की जिस भी समय में ये कार्य होगा ट्रांजिशन का, उस समय एनर्जी लेवल हाई होगा। तो तीनों संध्या काल भी उसके लिए, बाकी के भी उचित हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात देखिए, ये बहुत जरूरी है, हम खाली हो, हमारे पास वातावरण खाली हो और हमारे पास समय, है ना, तभी हम रिसेप्टिव होंगे, भले ही एनर्जी लेवल कितना ही हाई हो, यदि ये दो चीजें हमारी रिसेप्टिविटी नहीं है तो वो हमारे लिए निरर्थक और व्यर्थ है। इसलिए कोई भी खाली समय सबसे बढ़िया समय है आपके ध्यान के लिए, ठीक है ना। फिर ध्यान की विधि, तो जैसा कि अपन ने बताया कि रिसेप्टिविटी बढ़िया होनी चाहिए, तो उसके लिए एक तो एक बात ध्यान रखें कि यथासंभव आपका समय निश्चित होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान का समय निश्चित रहे, क्योंकि जो निश्चित समय था उसमें हमारा बॉडी माइंड क्लॉक जो रहती है वो तैयार रहती है, हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर तैयार रहता है, ठीक है। और बच्चा भी, वो बच्चे का भी एक स्वभाव होता है कि आपने भी कोई भी आप जो विभिन्न तरीके से संवाद जो अलग अलग समय पे कर रहे हैं, तो बच्चा भी उसके लिए उस समय तत्पर रहता है। तो गर्भिणी के लिए भी बहुत जरूरी है यथासंभव निश्चित समय हमारा निर्धारित रहे ध्यान का, जो भी हम करें रोज की रोज वो समय पर अवश्य करें हम ध्यान, है ना। मन शांत रहे, एकाग्र रहे, वातावरण शांत रहे ताकि मन बहुत ज्यादा विचलित ना होने पाए, और हमारे शिशु से कनेक्शन उस समय बना रहे, पूरी सजगता पूर्वक सक्रियता पूर्वक हमारा ध्यान बना रहे कि बच्चा भी जो कुछ मैं कर रही हूँ, यानी जैसे हम परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं वैसे ही बच्चे के साथ चेतनात्मक संपर्क में है, और बच्चा हमारी ही चेतना में, है ना, हम परमात्मा की चेतना में और बच्चा हमारे अंदर मौजूद है, ठीक है ना। यदि हो सके अच्छे से इस कनेक्शन बनाना हो, नहीं बन पा रहा हो, धारणा नहीं बन पा रही हो, तो गर्भ पर हाथ रख ले, ठीक है, पर एक कनेक्टिविटी एक महसूस होनी चाहिए, ठीक है। और किसी भी विधि द्वारा हम ध्यान कर सकते हैं, और जो भी शिक्षा और गुण हम आरोपण करना चाहते हैं ध्यान की विधि के द्वारा, उसका एक स्पष्ट चित्रण, कल्पना और उस चीज को अनुभव करना, जिसको हम धारणा कहते हैं, हमारी धारणा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि हम धारणा कर सकते हैं, ध्यान तो स्वतः सिद्ध होता है, ध्यान हम नहीं कर सकते, हम जिसको बोलते हैं ध्यान करना वो बेसिकली धारणा करना, ठीक है ना। ध्यान फिर जहां जैसे ही वो धारणा पर एकाग्र हो जाता है चित्त, तो वो ध्यान की स्थिति बन जाती है, ठीक है ना, वो अनुभव में आने लग जाती है, ठीक है। अब ध्यान के प्रकार जो हैं, वो सांसों के आवागमन पर ध्यान द्वारा संवाद किया जा सकता है, मंत्रों के उच्चारण पर ध्यान द्वारा संवाद किया जा सकता है, जैसे गायत्री मंत्र ही है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसमें हम बात यही कर रहे हैं आत्मा परमात्मा की एकरूपता, और उसके अनुसार हमारा पूरा एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन जो यहाँ से हो रहा है इस बच्चे के द्वारा होना है, वो पूरा परमात्मा चेतना के साथ अलाइंड हो, है ना, उसके अनुरूप हो, उसकी ऊर्जा को लेकर, उसके ज्ञान को लेकर, उसके समन्वय को लेकर एक साथ हो, तो इससे बढ़िया ध्यान की और कोई प्रक्रिया हो नहीं सकती, ठीक है ना। तो जो भी ध्यान करे, कोई यदि आपको नहीं जब जाएगा तो कुछ भी ध्यान करते, उस सब में ये भाव बना रहे आपका, ठीक है ना। तो मंत्रों की ध्वनि गुंजन पर ध्यान कर सकते हैं हम, निर्देशात्मक ध्यान, विभिन्न प्रकार के ध्यान हमारे यहाँ से भी उपलब्ध हैं, अन्य जगहों पर भी उपलब्ध हैं, जो आपको, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान का प्रकार कोई भी कितना भी सटीक क्यों ना हो, जिस पे मैं कर पा रही हूं, जिसके साथ मैं आत्मसात, जो मेरे मन को रुचिकर लग रहा है, हमको प्रारंभ वहीं से करना चाहिए, ठीक है ना। बस बात को हम, तथ्य को, तत्व को हम समझ लेंगे तो हम उस प्रक्रिया के साथ प्रारंभ होकर हम वहीं तक पहुंचेंगे, और उस तत्व को ध्यान में रखकर उसका जब हम प्रयास और धारणा करेंगे कि कैसे हमारी परमात्मा की एकरूपता और बच्चे की एकरूपता, और हम सब परमात्मा की अभिव्यक्ति है, इसलिए हमारी इस स्व के द्वारा, इस सेल्फ बीइंग के द्वारा जो कुछ एक्सप्रेशन आए वो सब परमात्मा में हो,
परमात्मा के अनुरूप हो, परमात्मा के अनुशासन के अनुरूप हो, जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात यदि हम तत्व को ध्यान में रखेंगे, उन्हीं के रूप में एक्सप्रेस हो, यानी हमारा जो भी कुछ एक्सप्रेशन हो वो पूरी उनकी शक्तिमत्ता हो, है ना। ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट, है ना, हर जगह मौजूद है, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान है। तो हमारा जो भी एक्सप्रेशन है वो सर्वशक्तिमत्ता के साथ, टोटल बोलते ना, टोटल अपना दे दो, टोटल अपना लगा दो, 100% किसी भी चीज में लगाना, जिसको हम कहते हैं ना। तो उसी प्रकार का एक्सप्रेशन परमात्मा के अनुरूप, उनके अनुशासन के अनुरूप। तो ये बात उसका तत्व है, हमको अपने आप को इस रूप में ढालना, ये योग है। और इसी रूप में बच्चा विकसित हो, बच्चा आया ही इसीलिए है, मैं आई इसीलिए हूँ, और यही मेरे होने का सबसे बड़ी सार्थकता है, सबसे बड़ी सफलता है, इस बात को ध्यान रखना है। फिर हम बांसुरी और वाद्य यंत्रों की धुन पर ध्यान कर सकते हैं, जिसको नाद योग कहते हैं। नाद, चूंकि जितनी भी ये ध्वनियां होती हैं, धुनें होती हैं, इसको यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो इसमें ओम का गुंजन है, और ओम जो है ये इस पूरे कॉस्मोस के एक्सप्रेशन का जो फर्स्ट वाइब्रेशंस है, उसका जो 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 ध्वनि होती है, वो महापुरुषों ने, योगियों ने, ऋषियों ने जाकर लिखी, वो ओम के रूप में। इवन यदि हम अपनी पूरी प्रकृति को पूरा साइलेंट कर लेते हैं, हमारी पूरी प्रकृति यदि शांत हो जाए, और हम जब ध्यान की प्रक्रिया बैठे, पूरी प्रकृति जब शांत होती, तो हमें अपने ही अंदर से ओम का भी नाद सुनाई देगा, ओम का स्वर सुनाई देगा। बाकी जितनी ध्वनियां हैं, जितने हैं, वो ये अ उ म, इसी के ऊपर आघात के द्वारा, इसीलिए इसको अनहत नाद बोलते हैं। सो जो कोर हमारे वाइब्रेशंस हैं, उसका जो नाद है वो ओम है, ठीक है ना। इसलिए ओम के साथ जब हम बात करते हैं, ओम का जब हम नाद सुनते हैं, उसके साथ एकात्म होने का, तो हम सोचिए कि अपनी चेतना और ब्रह्मांड व्यापी चेतना के साथ एक होने में, और उसके अनुसार सारे हमारे जो भी आपने बोला ना कि ये कोर वाइब्रेशंस है, और उन्हीं वाइब्रेशन से हमारी सारी क्रियाएं और जितनी शक्तियां हैं, ये सब भी तो वाइब्रेशन के रूप में हो रही है। तो उन कोर वाइब्रेशन के साथ एकात्मता अपने आप आ जाती है, उनके साथ अलाइन हो जाता है सारा मार्ग। तो नाद योग जो है वो उस प्रकार से इफेक्टिव होता है, जो अपना ध्यान का लक्ष्य है उसकी पूर्ति में सहायक है, और बहुत सहज रूप में सहायक है, ठीक है ना। दीपक का ध्यान एकाग्रता बढ़ाने के लिए उपयोग में हो सकता है। फिर ध्यान संबंधी विशेष निर्देश में ध्यान देना है कि देखिए, ध्यान करते समय हमारे मन में कोई नेगेटिव विचार नहीं आने चाहिए, कि मन शांत हुआ, बाकी दो से हटा, तो मालूम पड़ा दुनिया भर की जितनी फालतू फालतू की चीजें वो हमारे दिमाग में आने, ऐसा ना हो, क्योंकि इस समय हमारा जो पूरा व्यक्तित्व है वो एक मैग्नेटिक का, एक चुंबकत्व का कार्य करता है, और हम जिस प्रकार के विचार हमारे अंदर उठेंगे, जिस प्रकार की बातें, वही हम ऊपर से ग्रहण करेंगे, उसको अपनी ओर खींचेंगे। इसलिए पूरी कोशिश है कि सकारात्मक विचार बने रहे। यदि मन हमारा एकाग्र नहीं हो पा रहा है, तो बेहतर हो कि निर्देशात्मक ध्यान हम करें, ताकि मन उस ओर लग जाए और एकाग्रता में सहायता मिले, ठीक है ना। फिर जिस भी गुण और शिक्षा को हमें बच्चे को आत्मसात कराना है, स्वयं में धारण करना है, क्योंकि खुद नहीं धारण करेंगे तो बच्चे को आत्मसात नहीं करवा सकते। तो ये ध्यान ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम भी धारण करते हैं और बच्चे को, तो उसका एक बहुत स्पष्ट चित्रण होना चाहिए, गुरु के साथ, परमात्मा के साथ हमारी प्रार्थना और उनसे कम्युनियन बना रहे, ताकि वो हमें मार्गदर्शन करते रहे पूरी प्रक्रिया में, ठीक है ना। दूसरा हमारा तरीका होता है संगीत द्वारा संवाद। संगीत द्वारा जो संवाद संवाद है, जैसे आप जानते हैं कि संगीत की जो स्वर लहरियां हैं वो एक मोहक उल्लास का वातावरण तो पैदा करती ही है, पर इसका मस्तिष्क पर भी बहुत गहरा प्रभाव, बहुत सकारात्मक प्रभाव है संगीत का, है ना। कई बार आप देखिए मन बहुत विचलित हो, और अच्छी सी संगीत, कोई मधुर सा संगीत सुन लिया जाए, कोई क्रिएटिव म्यूजिक सुन लिया जाए, कोई प्रेरणाप्रद म्यूजिक सुना जाए, तो एकदम सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि वो हमारे प्राण लेवल को भी प्रभावित करता है, हमारे शरीर की तरंगों को, मानसिक तरंगों को, मस्तिष्क को, सबको प्रभावित करती है। तो संगीत जो है बहुत सशक्त माध्यम है संवाद का। उसमें क्या होता है कि तो जब माँ संगीत जो सुनती है, उसके अंदर जो भाव पैदा होते हैं संगीत को सुनकर, उससे बच्चे का भी भावनात्मक विकास होता है, उसके अंदर भी उसका जो भावनात्मक विकास जो होता है स्वस्थ तरीके से हो पाता है। फिर क्या होता है, संगीत के द्वारा ये देखा गया है कि बच्चे जब माँ संगीत सुनती है, और तो
जैसा कि अपन जानते हैं कि माँ ही संगीत नहीं सुन रही, बच्चा भी सुन रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो मस्तिष्क के विकास में वृद्धि होती है और एक सही तरीके से मस्तिष्क विकसित होता है। और क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कभी कभी माँ का, खास करके माँ को देखा जाता है कि गर्भस्थ, जब गर्भिणी या गर्भकाल के अंतर्गत माँ कई बार बहुत हाई स्ट्रेस लेवल्स, क्योंकि अंदर भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस चल रहे हैं, बहुत सारे प्रेशर्स बाहर के भी हैं, तो एक हाई स्ट्रेस लेवल हो जाता है जो कि बच्चे और माँ दोनों के शारीरिक मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। तो संगीत के माध्यम से माँ रिलैक्स हो जाती है, माँ जब सुनती है संगीत तो रिलैक्स हो जाती है, जिससे उसका जो उस रिलैक्सेशन के द्वारा उसकी और बच्चे की बॉन्डिंग भी बढ़िया होती है और बच्चे का भी शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छे से होता है, जिससे बच्चा स्वस्थ और खुश मिजाज होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार संगीत का दोनों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसमें एक बात ध्यान जो रखने की होती है, जो संगीत ऐसा होना चाहिए जो प्रेरणाप्रद हो, है ना, मधुर हो। हाँ, बच्चा जो रहता है वो ज्यादातर नाद यानी गूंजने वाली ध्वनि के प्रति, कर्णप्रिय ध्वनि के प्रति, मधुर संगीत के प्रति बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है, रिस्पॉन्डिंग उसका रहता है एटीट्यूड, तो बच्चा उसको अच्छा लगता है इस प्रकार का संगीत। और ये देखा गया है कि प्रार्थना गीत यदि माँ सुनती है, सुखदायक आरामदायक संगीत यदि माँ सुनती है या मंत्रों की ध्वनि सुनती है, तो जिस उससे बच्चे की वर्बल मेमोरी बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, इमेजिनेशन पावर भी बढ़ती है। तो यदि माँ इस प्रकार का मधुर आरामदायक संगीत सुने, और बल्कि यदि उसे खुद गाती भी है, तो बच्चे को और आनंद आता है उसको सुनने में, और बच्चे और माँ की बॉन्डिंग और सशक्त होती है। जैसा अपन जान कि जितनी उनकी भावनात्मक बॉन्डिंग होगी, बच्चे में सिक्योरिटी तो होगी, साथ साथ शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास में भी उतना ही बढ़िया विकास बच्चे का हो सकता है। फिर एक बात और ध्यान रखने की है कि संगीत बहुत फायदेमंद है बच्चे के लिए, इसलिए बहुत संगीत सुनना है इस बात की सावधानी रखी जाए, ऐसा नहीं किया जाए। थोड़ा और जितना आरामदायक है उतना ही सुना जाए, एक बात। दूसरी बात, लाउड संगीत बिल्कुल नहीं सुना जाए, बच्चे के लिए हानिकारक है, वो डिस्ट्रक्टिव जो है ब्रेन पर इफेक्ट डालता है। बल्कि राग जो है, विभिन्न रागों के अनुसार यदि संगीत हम सुन सकते हैं, उसमें देखिए हमारे यहाँ जो ये गायत्री मंत्र है उसको विभिन्न रागों में गाया हुआ है, तो आप, हम जानते हैं कि रागों का संबंध प्रकृति के साथ है, और चूंकि प्रकृति से ही हमारा शरीर भी बना है ना, मन मस्तिष्क भी बना है उसके सूक्ष्म अंश से, तो रागों का प्रभाव मन पर, स्थूल प्रकृति पर और शरीर पर, सब पर काफी पड़ता है। तो राग के अनुसार यदि संगीत हम, राग का हमें ज्ञान हो कि राग कौन सी, राग का क्या इफेक्ट है, तो उस सब की जानकारी आपको हमारे गर्भ संस्कार जो हमारे यहाँ का प्रकोष्ठ है उससे मिल सकती है। वहां से आप संपर्क करके विभिन्न रागों के अनुसार क्या गायत्री मंत्र किस तरीके से, उसको आप जानकारियां ले सकते हैं। तो ये सारी सावधानियां हमको बरतनी होगी कि संगीत जो है कर्णप्रिय हो, मधुर हो, खासकर इंस्ट्रूमेंटल गूंजने वाला हो, और प्रेरणा प्रद संगीत होना चाहिए, खासकर बांसुरी की धुन बच्चे को बहुत मधुर लगती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम संगीत द्वारा संवाद कर सकते हैं। उसके लिए हमको जो भी रिलैक्सिंग टाइम, जो भी अप्रोप्रिएट टाइम, शाम को या जब भी हमको ऐसा लगे कि अब काम से थोड़ा थक गए, तो हम थोड़ा सा समय निकालकर संगीत द्वारा संवाद कर सकते हैं। ठीक है, स्वाध्याय द्वारा संवाद किया जाना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय को हम समझ लें, स्वाध्याय क्या है, तो स्व का अध्ययन ही स्वाध्याय है। इसमें केवल पढ़ना स्वाध्याय नहीं होता, बल्कि ऐसे साहित्य का जो हमारे स्वत्व से, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ हो, उसको, ऐसे साहित्य को अपने से जोड़कर पढ़ना, फिर उसमें चिंतन और मनन करना। स्वाध्याय के अंदर अध्ययन, चिंतन, मनन, तीन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। उस पर चिंतन करना, चिंतन करना यानी क्या, क्यों, कैसे, ये बात जो कही गई क्या है, क्यों है, कैसे इसका प्रभाव है, कैसे इससे हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और पूरे विश्व मानवता के लिए ये कल्याणकारी है, कैसे कैसे इसके क्या क्या फायदे हैं, तो इस तरीके से चिंतन करना और फिर मनन यानी उसकी जुगाली करना। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसको स्वाध्याय कहते हैं, यानी स्व से, अपने से और अपने जीवन से जुड़े हुए जो साहित्य है उसको पढ़ना, उस पर चिंतन मनन करना, उसे आत्मसात करना और जीवन में उतारना, तब स्वाध्याय पूरा है, तब समझना चाहिए।
तो इस प्रकार जब स्वाध्याय हम करते हैं तो उसका बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये जो हमारा इस स्वाध्याय के अंदर हमारा जितना गहराई के साथ हमारा चिंतन मनन होगा है ना, उतना ही हमारा मतलब हम उस चीज को जानेंगे, समझेंगे, जांचेंगे, परखेंगे चिंतन मनन के द्वारा देख कर है ना, अपने जीवन में उसको आत्मसात करके उसके अनुरूप जीवन को जी कर जब उसको हम देखते हैं तो हमारा उस बात पर विश्वास सुदृढ़ होता है। और जितना हमारा विश्वास सुदृढ़ होता है बच्चे की ग्रहणशीलता उस बात के लिए उतनी ही प्रबल होगी। क्या होता है कि जब हम किसी चीज को गहराई से और बार बार सोचते हैं तो जो हमारे ब्रेन के अंदर एक मिरर न्यूरॉन होता है वो उसको हमारी विचार पद्धति में डाल देता है उस बात को, और वो विचार पद्धति फिर हमारा एटीट्यूड बन जाती है, और यही विचार पद्धति फिर बच्चे का भी एटीट्यूड बनती है, उसकी भी विचार पद्धति बनती है, उसका एटीट्यूड बन जाता है। स्वाध्याय माँ बोलकर भी कर सकती है, लाउडली बोलकर भी पढ़ सकती है, मन में भी कर सकती है। ऐसा ना सोचे कि मैं यदि बोल नहीं रही हूं तो बच्चा सुन नहीं रहा। माँ जो कुछ सोच रही है, जो कुछ समझ रही है, जो कुछ उसके भाव पैदा रहे, उस सब के प्रति बच्चा संवेदनशील है और उसे ग्रहण कर रहा है। जिस तरीके से आप बात को समझ रही, बच्चा भी उसी तरीके से उसको ले रहा है। इसलिए आप किसी भी तरीके से बच्चे से स्वाध्याय कर सकते हैं। स्वाध्याय के लाभ माता को तो बहुत ज्यादा होते हैं और माता के द्वारा बच्चे को भी होते हैं। माता को एक सबसे बड़ा क्या आप देखते हैं, हमारे दैनंदिन जीवन में चाहे वातावरण के कारण या अन्य कारणों से कभी कभी हमारे मस्तिष्क में कोई विकृतियां आ जाती हैं, तो जो उसे एक नकारात्मकता पैदा होती है, एक तनाव हमारे अंदर पैदा होता है। तो ये जो नकारात्मक और तनावपूर्ण जो हमारा चिंतन हो जाता है, विचार हो जाते हैं, इससे एक बच्चे का, बच्चे के शरीर और मन पर और माँ के शरीर और मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब हम ऐसे में हम जब कोई समय समय पर या बीच में जब हम कोई स्वाध्याय की कोई अच्छी सी सत साहित्य पढ़ते हैं तो विचार की शक्ति के द्वारा और हमारे विचार को एक सही दिशा मिलती है, उस सही दिशा से हमारे में सकारात्मकता आती है जो हमारे अंदर के वातावरण को, हमारे को तनाव मुक्त कर देती है, नकारात्मकता को समाप्त कर देती है। इसीलिए कहा गया है कि स्वाध्याय की आदत जिन जिन व्यक्तियों में हो जाती है वो कभी जीवन में हार नहीं मानते, वो जीवन से ऊब नहीं सकते, और मन और मस्तिष्क में कोई भी जो जिसको हम बोलते हैं ना खराब मूड है, मन है हमारा, या कोई तनाव पैदा हो गया, कोई वेदना, उससे जल्दी ही वो उससे मुक्त हो जाते हैं, समस्याओं के समाधान में हमको आसानी होती है, और एक जो नए अच्छे विचार होते हैं वो हमें एक ऊर्जा से भर देते, एक नई दिशा देते, एक नए उत्साह से भर देते हैं। तो स्वाध्याय का बहुत ज्यादा हमको असर मिलता है, माँ को भी मिलता है और बच्चे को भी मिलता है। फिर एक देखा गया है कि जो स्वाध्याय करने वाली जो माताएं होती हैं उनकी जो मनस्थिति होती है, जो एक मानसिक स्थिति सुलझी होती है, सकारात्मक होती है, खुशनुमा होती है, जिसका बच्चे को, बच्चे के अंदर भी उसके कारण एक अच्छा सामाजिक और व्यावहारिक स्वास्थ्य विकसित होता है उसका भी, ठीक है ना। वो हर चीज को जब ऐसी मनस्थिति माँ की होती है तो हर चीज को पॉजिटिवली देखती है ना, कोई विपरीत परिस्थिति भी सामने आ जाती है तो उससे क्या हमको सकारात्मक दिशा मिल रही है उस और उसका ध्यान रहता है, तो इसलिए उसको उससे फायदा मिलता है, बच्चे को भी फायदा मिलता है। फिर ये देखा गया है कि जितने जो सत साहित्य होता है गुरुओं और संतों के द्वारा वो उनका वांग्मय स्वरूप होता है, तो जब इस प्रकार का साहित्य हम पढ़ते हैं तो उनसे हमारा सत्संग के लाभ हमको जैसे मिलता है, हम आमने सामने बैठकर जो सुनते हैं उसी प्रकार का लाभ मिलता है। उसमें एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि जैसे हम बहुत सारे आर्ष साहित्य भी पढ़ सकते हैं, पर जो गुरुओं और संतों के द्वारा जो लिखा हुआ सत साहित्य होता है उसमें वो जो चीजें, जो गूढ़ तत्व भी होते हैं जीवन से जुड़े हुए, उनको बहुत ही अनुभव के आधार पर, मतलब दैनंदिन जीवन से जुड़े हुए तरीके से वो प्रस्तुत करते हैं। तो एक तो हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से, हम उसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और अपने जीवन से जोड़ पाते हैं, जिसका लाभ हमें अपने व्यक्तित्व में और जीवन दोनों में मिलता है, और बच्चे को भी उससे प्रभावित होता है बच्चा भी। तो इस तरीके से अच्छा, फिर एक बात और होती है कि देखा गया है कि जब हम जिन्होंने जैसा जीवन जिया है और वैसा यदि उन्होंने सत साहित्य लिखा है, तो चूंकि उन्होंने वैसा जीवन जिया है तो जब उनका हम साहित्य पढ़ते हैं तो उनके मन से हमारा मन जुड़ता है, और इस मन के जुड़ने से उनकी ऊर्जा, उनकी चेतना और उनके विचारों को हम सीधे सीधे
ग्रहण कर पाते हैं। तो इसलिए हमारे को स्वाध्याय हेतु ऐसे साहित्य का चयन करना चाहिए जो नैतिक चारित्रिक गुणों को, सद्गुणों को, सद्विचारों को, जो भी जिस भी प्रकार के हम एट्रीब्यूट्स बच्चे में डेवलप करना चाहते हैं उससे जुड़ा हुआ साहित्य हो, संतों का साहित्य हो, तो वो हमको फायदेमंद रहेगा, ठीक है ना। फिर अब हम जो एक तरीका होता है कहानी द्वारा भी संवाद किया जा सकता है, जो बहुत प्रभावशाली तरीका है। कहानी सबको प्रिय लगती है और इसमें आप हम जानते क्यों, अच्छा चूंकि ये रुचिकर लगती है तो एक बात होती है हमको लंबे समय तक याद रहती है, इसका प्रभाव मानस पटल पर गहरा होता है, फिर ये अपने आप बार बार रिवाइज होती है, चूंकि रुचिकर है तो हमको बार 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 ध्यान आती है, तो बच्चे के साथ भी ऐसा ही होता है। फिर अभी अपन ने जाना कि जो बात गहराई के साथ सोची जाती है, जो बात गहराई से मानस को असर डालती है या जो बात बार बार सोची जाती है उसको मिरर न्यूरॉन हमारी विचार पद्धति में डाल, तो ऐसे में कहानी द्वारा जब संवाद किया जाता है तो जो बात कहानी से जो सीखी जा रही है उससे जिन गुणों और चारित्रिक मूल्यों का जो ध्यान किया जा रहा है कहानी के माध्यम से, वो हमारी विचार पद्धति में, बच्चे की विचार पद्धति में भी बहुत आसानी से उसके स्वभाव का अंग उसको बनाया जा सकता है, है ना। तो कहानियों का चयन कैसा होना चाहिए, जो महापुरुषों के जीवन प्रसंग हो, जो साहसिक लोग हैं उनकी संस्मरण हो, है ना, धर्म ग्रंथ हो, प्रेरणाप्रद कहानियां होनी चाहिए, मनगढ़ंत राजा रानी की या भूत प्रेत आदि की कहानियां नहीं होना चाहिए। जिन चारित्रिक मूल्यों को, जिन सद्गुणों को हम विकसित करना चाहते हैं बच्चे के अंदर, उसके अंदर क्योंकि गुणात्मक जो बातें हैं उनको बहुत अच्छे से कहानी के माध्यम से रखा जा सकता है और उसको आत्मसात किया और करवाया जा सकता है, इसलिए कहानी एक बहुत सशक्त माध्यम है। फिर कहानी कब और कैसे, तो जब भी हमारा जो शाम का रिलैक्सिंग टाइम हो, जब हम बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तब हम ये कर सकते हैं। अब ये कहानियां जो होती हैं, यदि माँ स्वयं उसको पढ़ती है और स्वयं अपने पढ़कर जब बोलती है तो एक बहुत बड़ा फायदा क्या होता है कि माँ की आवाज के प्रति बच्चा उसको पहचानता है, उसके प्रति बहुत संवेदनशील होता है, तो उसकी रिसेप्टिविटी इस बात के, माँ की आवाज के लिए सबसे ज्यादा होती है और बहुत उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड भी करता है। माँ खुद कहानी पढ़े और सुनाए, वर्बली बोल के सुना सकती है तो ऐसे करे, नहीं भी जैसी भी स्थिति है उसके अनुसार वो कहानी द्वारा संवाद करे। पिता भी कभी कभी समय समय निकाले, क्योंकि यदि पिता भी निकालेगा तो उससे पिता और बच्चे के बीच भी अफेक्शन, बच्चा पिता के प्रति भी अफेक्शनेट होगा। यदि घर परिवार के अन्य लोग भी चाहें जो, तो वो भी कहानी द्वारा संवाद कर सकते हैं कि गृहिणी को वो कहानी पढ़ के सुना रही, गृहिणी उसको बहुत अच्छे से ग्रहण कर रही है, सुन रही है और वैसा ही आनंद ले रही है जैसा बच्चा लेता है या उसी प्रकार का उसको आनंद आ रहा है। तो इस प्रकार से माँ कर सकती है कहानी द्वारा संवाद, ठीक है। और खास करके चौथे महीने से लेकर छठे महीने तक, छठे महीने के बाद तो माँ पिता दोनों को मिलकर बच्चे से कहानी द्वारा संवाद, फिर कहानी की जो शिक्षा है उसके प्रति भी माँ जब कहानी पढ़ती है उसके बाद बच्चे से वो डिस्कस करेगी, इससे हमें क्या सीखने को मिला, इसको हम कैसे, तो हमको अब क्या करना है। देखिए जो सीखने को मिला केवल वही नहीं बोलना है, उसके साथ ये संकल्प माँ के लिए, तो अब हम ध्यान देते हैं कि अब हमने जो ये सीखा है इसको हम कोशिश करेंगे कि जब जब हमारे सामने तो हम इसी प्रकार से जिएंगे, इसी प्रकार से कार्य व्यवहार करेंगे, ये जहां भी है उसके साथ जोड़ दी जाए, वो संकल्प भी जोड़ दी जाए माँ, ठीक है ना। अब इसमें एक बात और हो सकती है कि माँ अपने जीवन के जो कोई विशेष अनुभव, विशेष परिस्थिति में उसने किस तरीके से फेस किया और उस चीज से बाहर निकली, उसको भी कहानी के रूप में रख सकती है। बस ये ध्यान रहे कि वो जो विशेष, जो क्योंकि इस ऐसा करने से क्या होगा कि एक विशेष परिस्थिति में किस प्रकार धैर्य पूर्वक और अनुभव आधारित हम उसको शिक्षण दे सकते हैं बच्चे को, पर उसमें ये ध्यान रहे कि वो जो इंस्टेंस है, वो जो इवेंट है आपके जीवन का, वो प्रेरणाप्रद हो, सकारात्मक हो, समाधान पर हो, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रख के ये कार्य किया जा सकता है। अब जो विशेष हमको ध्यान देने वाली बातें हैं माता को पूरे संवाद, चूंकि मैंने बताया संवाद का कार्यक्रम केवल ऐसा नहीं कि ध्यान में बैठे तब संवाद, संगीत में बैठे तब संवाद, मैंने बताया अपने प्रारंभ में कि माँ को पूरे समय अपने साथ रखना है बच्चे को और उसके प्रति सजग और सक्रिय और सतर्क रहना है कि जो कुछ वो कर रही वो सब बच्चा सीख रहा है, तो उसको अपने भावनाओं विचारों पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा,
पर निंदा और द्वेष के भाव से वो बचे। नकारात्मक विचार के आने पर तत्काल उसे हटाकर शिशु से सकारात्मक संवाद करें। अरे देखो ये क्या सोचने लगे हम, अपन को तो ऐसे सोचना है क्योंकि ऐसा सोचने से हमको ये फायदा होगा, हम ऊर्जा से भरे रहेंगे, उल्लास से भरे रहेंगे और चीजें तो सामने आती रहती हैं। हम जैसा रिस्पॉन्ड करेंगे वैसा हमारा कार्य होगा, वैसी हमारी अभिव्यक्ति होगी, वैसा हमारा व्यक्तित्व और वैसा हमारा जीवन होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार शिशु से सकारात्मक संवाद करें, विपरीत परिस्थिति आने पर नियंत्रण रखें, धैर्य रखें और उस परिस्थिति से निपटने का भाव लेकर शिशु से संवाद स्थापित करें। कोई विपरीत, जैसे किसी ने कोई कर्कश तरीके से कोई बातचीत करके चला गया तो माँ बच्चे को अब सामने उपस्थित हुआ है, बच्चा उसको भी सीख रहा है, तो तुरंत माँ संवाद करे कि देखो बेटा मेरे को ये बात की सीख मिली ना, अच्छा नहीं लगा ना ऐसा हुआ तो अपने को इस बात की सीख मिली ना हमको कि हमें बहुत धैर्य पूर्वक मधुरता के साथ और कन्विंसिंग वे में किसी से बात करना चाहिए, है ना। तो आज से अपन ये संकल्प लेते हैं कि अपन प्रयास पूर्वक ऐसा ही करेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार कोई भी इवेंट यदि वातावरण से आता है या मेरे मन में कोई विचार आ जाता है ना, माँ के मन में कोई गलत विचार, तो उसको तुरंत सकारात्मक दिशा देना और एक लर्निंग एटीट्यूड माँ लगातार बना कर रखे। यदि ये लर्निंग एटीट्यूड माँ ने बच्चे को दे दिया, हर समय माँ पूरे समय एक लर्निंग एटीट्यूड बनाकर रखे, वो ही बच्चे में विकसित होगा। यदि किसी बच्चे में लर्निंग एटीट्यूड डेवलप हो जाता है तो वो हर इवेंट से, हर वातावरण से, चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उससे लर्निंग लेकर उत्साहित बना रहता है, जीवन में आशान्वित बना रहता है कि कुछ नहीं, चलो मुझे इससे ये सीखने को तो मिला। हर नकारात्मक बात उसके लिए सकारात्मक हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें, पुस्तकों का प्रयोग माता अधिक से अधिक करें, ठीक है ना। तो ये सारी कुछ गर्भ संवाद से जुड़ी हुई बातें हैं, जितना अपन कुछ अभी कर सकते थे तो हम लोगों ने करी। संवाद के प्रति माँ पूरे समय सतर्क रहे, सावधान रहे। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमात्मा ने आपको दी है और आपको एक बहुत बड़ा मौका दिया है। माँ बच्चे की प्रथम गुरु है और उसके पूरे जीवन को दिशा दे सकती है। इस बात को ध्यान में रखकर माँ यदि अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करती तो उसका जीवन, उसका मातृत्व सफल और सार्थक होता है। ओम शांति शांति। सभी भाई बहनों को प्रणाम। बाकी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद प्रेरणा जी, आपका बहुत ही सुंदर सा और अच्छा सा क्लास था। सभी प्रतिभागी मैं समझता हूँ उससे लाभान्वित हुए होंगे। अब प्रतिभागियों से उनके प्रश्न है तो अपने हैंड रेज करें या चैट बॉक्स क्लिक करके अपने प्रश्न पूछें। और अटेंडेंस लिंक जा चुका है, सभी अनुरोध है कि अटेंडेंस अपनी जगह लगा देंगे। द्वारकेश लाडवा जी का रेज है, आप अपना प्रश्न पूछिए। द्वारकेश जी नमस्ते मैम। नमस्ते, प्रणाम सर, प्रणाम मैम। मुझे वो प्रश्न था कि मेरा दूसरा माह चल रहा है अभी, मैं प्रेग्नेंट हूँ दूसरी बार, तो मेरे पास संवाद जैसे थोड़ा बहुत मुझे मालूम है, लेकिन स्पष्ट जो संवाद कैसे करना है वो मुझे, मेरे पास कोई गाइडलाइंस है नहीं, तो मिलेगी। हाँ, अभी अपन ने जो पूरी चर्चा करी वो संवाद कैसे करना है इसी पर करी है कि एक हाँ, तो आपको नियमित ध्यान करना है ना, और कुछ भी जो अच्छा संगीत है, जो प्रेरणाप्रद संगीत है, उसको आपकी दिनचर्या में लाना है। आपकी जब दिनचर्या वाली जो पूरी क्लास होगी उसमें आपको और डिटेल में ये बातें बताई जाएंगी कि कैसे, कब कब क्या क्या किया जा सकता है। तो आप ध्यान द्वारा संवाद कर सकती हैं, आप इवन जब खाना बना रही हैं, आप जो भी काम कर रही हैं, है ना, वो काम कैसे आपके लिए, सबके लिए उपयोगी, एक तो उस काम को सबके लिए उपयोगी बनाते हुए, है ना, उस काम की जो उपयोगिता है, उपादेयता है, उसका जो औचित्य है, उसको ध्यान में रखकर आप वो कार्य करें। और उसके प्रति बच्चे को भी, जैसे आप बच्चे को बता रही कि देखो भाई, जैसे मैं खाना बना रही हूँ, देखो खाना सबके स्वास्थ्य के लिए और पोषण के लिए जरूरी है ना। तो खाना बनाते समय स्वाद की अपेक्षा स्वास्थ्य और पोषण पे ध्यान, ऐसा नहीं कि स्वाद स्वाद पर, स्वाद केवल उतना होना जो पैलेटेबल हो,
क्योंकि पैलेटेबल नहीं होगा, सलाइवा सीक्रेट नहीं होगा तो भी खाना नहीं पचेगा, पर इसका मतलब तीखा और अत्यधिक मीठा ऐसा नहीं होता। पैलेटेबल खाना वो है जो बस अच्छा लगे, है ना, जीवन को अच्छा लगे और थोड़ा सा हमारे मुंह को भी अच्छा लगे, पेट को भी अच्छा लगे, ठीक है ना। ये ऐसा हुआ कि बहुत तीखा हमको पसंद है, हमने खा लिया और पेट के लिए नुकसानदायक, तो ऐसा ना हो। मतलब एक कहने का मतलब है कि छोटा सा भी कार्य जो हम कर रहे हैं, जो उसकी उपयोगिता है, जो सार्थकता है, उसको ध्यान में रखकर करें और वो कन्वे करें बच्चे को भी, है ना। जब वैसे तो हम जो सोच रहे हैं यदि उस बात को ध्यान रख रहे तो बच्चे को कन्वे हो रहा है, पर ध्यान पूर्वक भी हमें कन्वे करना है कि देखो भाई अब अपन ये डाल रहे हैं इससे ये फायदा होगा, है ना, अपन इसको इतना ही कुक करते हैं नहीं तो इसके न्यूट्रिशन सारे खत्म हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से कुक करते हैं तो अपने न्यूट्रिशन, अभी हम मिर्च ज्यादा डाल देंगे तो देखो क्या होगा, हमारे पेट को नुकसान हो जाएगा, है ना, क्योंकि जीवान की तो थोड़ी चमड़ी मोटी है पर पेट की बहुत नाजुक है, वो नुकसान कर सकती है। तो इस तरीके से बात करते हुए, यानी इस तरीके से मन में विचार करते हुए, केवल बोलना ही नहीं है, यहाँ संवाद हो सकता है, ध्यान करना है, संगीत सुनना है, कहानी अच्छी पढ़िए, अच्छी बुक पढ़िए, उसमें जो कुछ आपको समझ में आ रहा है तरीके की बात है ना। बहुत सरल और सत साहित्य पढ़िए, सरल साहित्य गुरुओं द्वारा लिखा हुआ वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उसमें वो समझा के कहते हैं बातों को, और उसको वैसा ही ग्रहण करिए, उसको ये देखिए कि कैसे वो आपके लिए उपयोगी है, आपके बच्चे के लिए, कैसे परिवार के लिए, हर व्यक्ति जो है केवल आप ही के लिए उपयोगी नहीं, हर व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है, है ना। व्यक्ति यदि इसे अपने जीवन में लाता है तो उसके लिए क्या उसको फायदे होते हैं, उससे उसकी सोच कैसे बदलती है, उसके सोच से उसका कार्य कैसा बदलता है, फिर कार्य और सोच मिलकर उसको कैसे महानता की ओर ले जाते हैं, है ना, कैसे उसको सामाजिकता उसकी प्रभावित होती है उससे, ठीक है। तो इस सारी चीजों को सकारात्मक रूप में देना, तो ये इन सबको अपनी जीवनचर्या में शामिल कीजिए, जो जो बातें आपने अभी कही, ठीक है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में, मेरे इसमें विजिबल नहीं है, मैं बता रहा हूँ, क्या संवाद मन में भी कर सकते हैं या बाहर ही करना है। हाँ, पर बार बार इस बात को अपन चर्चा कर रहे हैं कि मन में किया हुआ संवाद भी बच्चे के, बच्चा उसके प्रति ग्रहणशील है, ठीक है ना। कई बार मतलब बल्कि ये बात बता दें आपको कि यदि हम बोल कर कोई चीज कर रहे हैं और यदि वो मन में उसके प्रति, इसीलिए जो अपन ने संवाद की बात कही थी सम्यक में था कि आपका विश्वास उस चीज के प्रति दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज के प्रति आपका विश्वास है उसको आपका मन भी स्वीकार रहा है। यदि हम कोई चीज बोल रहे हैं और मन में नहीं मान रहे हैं तो उसका प्रभाव बच्चे पर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए मन का संवाद ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मन में भी संवाद कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं बोल कर ही करें, हमारी परिस्थिति जैसी हो उसके अनुरूप, नहीं हम बोल के कर सकते, मन में करें हम संवाद ध्यान पूर्वक। वो एक हमने आपको आपको जो स्लाइड दिखाई थी उसमें एक दिखाया था कि माँ बैठकर बच्चे के साथ केवल बैठी हुई गर्भ पर हाथ रख के, उसका यही था कि उस समय वो शांति से बैठकर मन में संवाद कर रही है बच्चे से कि देखो आज अपन ने ये हुआ था ना, फिर ऐसा किया वैसा किया, तो उस समय हम इसीलिए बताए थे। तो मन में भी संवाद किया जा सकता। उमा शर्मा जी का हैंड रेज है, उमा शर्मा जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। प्रणाम दीदी, बहुत बहुत आज जैसा संवाद सुना इसके पहले कभी नहीं सुना हमने, इतने इतने गहराई से आपने बताया है कि मैंने बयान नहीं कर पा रही हूँ। आपने बताया कहानी बताई आपने बच्चों को, तो शिशु को संकल्प भी ले साथ में, यानी कितनी बड़ी बात बताई है कि कहानी तो से बता देते हैं हम सब गर्भवतियां, है ना, लेकिन संकल्प भी बहुत जरूरी है। साथ में आपने वो ट्रांजिशन पीरियड जो बताया, तीन समय का, संध्या के समय, तीन संध्या का, वो भी सही मैंने आज साइंटिफिकली बहुत जरूरी लोगों को बताना कि ट्रांजिशन पीरियड होता है, सुबह शाम का तो समझ सकते हैं लेकिन दोपहर का भी समय होता है, ये भी आपने उसको बहुत अच्छे से उसको बताया है, तीन संध्या का समय। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है आपने मिरर न्यूरॉन की जो बात बताई ना, विचार पद्धति में बदलता है ना, बहुत सी बातें आज हमको सीखने को मिली नई बात, जबकि हम लोग बहुत तीन साल से यहाँ गर्भवतियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन आज की जो आपकी क्लास है ना तो हमें आगे बहुत बहुत काम आएगा ये सब प्रशिक्षण देने के लिए। और दूसरी एक बात आपने बताई थी कि परिवार में जब बातचीत होती है तो समाधान की ओर जाए हम लोग, परिवार में बात हो रही है तो कितनी बड़ी बात हुई होगी, समाधान की ओर, है ना, शिशु सुन रहा है ना पारिवारिक बातचीत, तो हम लोग जब बातचीत एंड हो वो समाधान की तरफ हो, है ना, ये बहुत अच्छे यथार्थ हो, है ना, सही हो, जो बातचीत कर रहे हैं वो यथार्थवादी बात हो ना, तो कुछ भी नहीं कहना है,
है ना, समाप्त करते होगा। बहुत इतनी छोटी छोटी बातें आपने बताई है, तो बहुत ही गर्भवती भी उनको आपको बताने के लिए भी अच्छा रहेगा। ओम ओम जो है वो कोर शब्द है, कोर साउंड है ना, तो ये तो जन लोगों को पता है, लेकिन कोर शब्द जो आपने यूज किया आज है ना, तो वो जैसे वो बोलते हैं ना कोर, साइंस की भाषा में बोलते हैं ना, जैसे आपको केमिस्ट्री लेना है तो कोर जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक तो कोर नहीं, वो कोर शब्द आजकल के बच्चों को बहुत नहीं पसंद आएगा मुझे लगता है, बहुत ही अपने बहुत नई चीजें सीखने ली दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर आपसे जरूर मिलेंगे कभी, बहुत बहुत धन्यवाद जी भैया। इसमें तो ये देखिए दीदी, ये पूरा गुरुजी का, और फिर हमारी जो डॉक्टर गायत्री दीदी है उन्होंने सारा तैयार किया, उन्होंने उनसे हमको बहुत सारी जानकारियां मिली, जो भी कुछ गुरुजी से हमने सीखा है बस वो आपके सामने है। बहुत सीखा है मैं, छोटे छोटे प्रश्न दीदी से पूछ पूछ के बहुत सीखा है मैंने गायत्री दीदी से, वो तो सवाल ही नहीं हो तो। हाँ हाँ, आज बहुत नई चीजें भी सीखने को मिली, ये मैं कह रही थी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी ने भी बहुत अप्रिशिएट किया है, वेरी थॉट प्रोवोकिंग क्लास टू बीएसबी। अब मैं शिक्षा खंडेलवाल से पूछूंगा कि वो हैंडरेस करके वो अपना प्रश्न पूछे, माइक ऑन करें और प्रश्न पूछे। डॉक्टर हर्षा खंडेलवाल जी, दीदी प्रणाम, वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी क्लास रही आज की, और जिज्ञासा है हम सबकी तरफ से कि कई बार एक्सप्लेन हम कैसे करें इन संवाद में, और एलैबोरेटिव हम कैसे करें, चाहे हम एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, छोटी कहानी पढ़ रहे हैं, तो वो डिटेलिंग करना कभी कभी नहीं हो पाता है। तो यदि आप प्रैक्टिकल एक छोटा सा कोटेशन लेके, गुरुदेव का ही एक छोटा सा सुविचार लेकर, यदि उसे एक्सप्लेन करके बताएं कि इस तरह आप उसको थोड़ा एक्सप्लेनेटरी कर सकते हैं, तो शायद हम सबके लिए काफी मार्गदर्शन रह पाएगा। तो एक प्रैक्टिकल दो एक दो लाइन का छोटा सा कोटेशन को आप थोड़ा सा बताइए। मैं चाहूंगी कि कोटेशन आप बता दें, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जी जी दीदी, आज 8 तारीख का ही कोटेशन है, रोतों को हंसाना और गिरे हुओं को उठाना ही मानव धर्म है। जी बहुत बढ़िया बात है, देखिए इसमें रोतों को हंसाना और गिरतों को उठाना ही मानव धर्म है, ठीक है ना। इसमें ये बात है कि सबसे पहले तो मानव की अपनी दिशा क्या है, है ना। अब रोतों को उठाने की बात यदि बात आती है तो देखो, हम ये बहुत आसान है, किसी को भी हर्ट कर दें और उसको रोता हुआ छोड़ दें, है ना, तो क्या होगा कि वो तो दुखी हो रहा है, पर आप ये बताइए कि जब भी आप किसी को हर्ट करते हैं और वो रोता है तो आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको भी बुरा लगता है, किसी को भी किसी को रुलाकर अच्छा नहीं लगता, एक बात। फिर जब कोई रो रहा है उसको हम हंसाते हैं, हंसाने का प्रयास करते हैं, तो कोई भी काम जो हम करते हैं, जो भी प्रयास या पुरुषार्थ हम करते हैं, वो हमारा कर्म है, ठीक है। यदि मैं किसी को हंसाने का प्रयास कर रही हूं तो मैं एक हंसाने का बीज बो रही हूं, अपने कर्म का एक बीज बोया हंसाने का, ठीक है ना। और आप हम जानते हैं कि ये मानव जो जीवन है ये कर्म योनि है, इसमें जो हम बोते हैं वही काटते हैं, इसी में हमारे कर्म ही जो हैं वही हमारा पुरुषार्थ है, उस कर्म के अनुसार ही हमारा आगे का जीवन बनता है, अभी का जीवन भी बनेगा आगे का जीवन भी बनेगा। तो जो हम बो रहे हैं वही हम काटेंगे, हम यदि लोगों को हंसी बोते हैं तो हंसी काटते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा काम है, तो उस दृष्टि से हम अपने कर्म को शुद्ध कर रहे हैं तो वैसा ही फल हमको मिलेगा, ठीक है ना। फिर दूसरों को हंसता हुआ देखकर हमें भी खुशी होती है। आप देखिए, आप रास्ते पे निकल जाइए, जब कोई हंस रहा होता है तो आपको उसको देखकर ध्यान से, यदि आपका आप किसी को हंसता हुआ देखेंगे तो आपके मन मुंह पे भी अपने आप खुशी से आ जाती है। देखना आपने कभी, बहुत ध्यान देना, आप बिल्कुल बिल्कुल कोई चीज आपके मन में कोई पहले से प्री ऑक्यूपाइड चीजें नहीं है, या आप ईगो के लेवल पे कॉन्शियस नहीं है, है ना, आप सहज हैं, एकदम स्पॉन्टेनियस है, तो किसी भी हंसते को देखकर आपको भी हंसी आ जाएगी, यानी आप हंसी को बिखेर रही, हंसी के वातावरण को बढ़ा रही है। तो मनुष्य जो यहाँ पर आया है वो श्रेष्ठता को, हंसी को, उल्लास को, सुख शांति संतोष और आनंद को प्रमाणित करने और उसका संवर्धन करने आया है,
ठीक है ना, हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं, ठीक है ना। तो उस दृष्टि से मानवता को, यदि हम रोते को हंसाते हैं तो मानवता को चरितार्थ करते हैं, हमको भी अच्छा लगता है, दूसरे को भी अच्छा लगता है, उस प्रकार का वातावरण बनता है और वातावरण फिर हमको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। इसी प्रकार गिरते को उठाना, मानव का जीवन जो है वो पशुता से दिव्यता की यात्रा है, ठीक है। हम जब गिरते को उठाते हैं तो हमें स्वयं में भी गौरव होता है कि हमने किसी को आगे बढ़ने में सहायता करी, एक अपने में गौरव होता है, क्योंकि ये हमारी जो 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 फिर मैं बोलूंगी एक शब्द, हमारी जो कोर आइडेंटिटी है, मानव रूप में जो हमारी मूल अभिव्यक्ति है उसको संतुष्ट कर रहा है। मानव स्वयं में ऊपर उठने आया है, इसलिए जब भी वो स्वयं ऊपर उठता है तो उसे खुशी होती है, और जैसा वो स्वयं के लिए पसंद करता है वैसा ही उसको दूसरे के लिए पसंद आता है, ठीक है ना। तो वो गौरव का अनुभव करता है, तो इसलिए ये बहुत, फिर कर्म की दृष्टि से अगेन फिर वही बात आती है कि ये एक श्रेष्ठ कर्म है, ठीक है ना। हर मानव उठने के लिए आया, उसमें मैं उसकी सहायता कर रही हूं, इससे बड़ी मेरी सार्थकता, मेरे जीवन का एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। खुद भी ऊंचे उठना है और दूसरों को ऊंचा उठाना, इसी में मानवता है, यही हमारी समझदारी है, खुद ऊंचा उठे, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों को ऊंचा उठाएं, और उसको करना बहादुरी है। तो समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, इसी में मानवता प्रमाणित होती है, और ये कार्य इन दोनों कार्यों के द्वारा होता है, ठीक है। डॉक्टर शोभना परसाई जी का हैंड रेज है। डॉक्टर शोभना परसाई जी, समय हो गया है, अपना अंतिम प्रश्न पूछें। डॉक्टर शोभना जी। दीदी प्रणाम। दो छोटी छोटी जिज्ञासाएं थी। एक तो जैसे हम लोग, हम छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं, तो यहाँ पे जो झोपड़पट्टी वाला इलाका है वहां पे अपशब्दों का प्रयोग बहुत होता है, जैसे सामान्य भाषा में कहें तो गाली वगैरह के शब्द बहुत ज्यादा प्रयोग होते हैं, जो कि माँ नहीं उपयोग कर रही, पिता उपयोग नहीं कर रहा, पर वातावरण आसपास का ऐसा है कि उसको सुने बिना आप कान तो बंद कर नहीं सकते, उसके लिए बच्चे को कैसे निर्देशित करें, एक। और दूसरी बात, एक माता ने मेरे से प्रश्न किया है कि उसको, उसके आसपास बहुत नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं जिनसे वो बच नहीं सक रही है, मतलब जैसे कि सास है या ननंद है या परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे वो दूर रह ही नहीं सकती है, पर नेगेटिविटी और नेगेटिव थॉट्स इतने ज्यादा आ रहे हैं कि उससे उसको बहुत परेशानी हो रही है, और उसका 6 महीने प्रेगनेंसी चल रहा है। तो उन दोनों बिंदुओं के लिए उसको गर्भ संवाद के थ्रू अपने बच्चे से कैसे बात करे और उसको इनसे दूर रख सके, ये जानना चाहते हैं। उसमें दीदी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात अपन ने बात, मैंने एग्जांपल भी एक दिया था कि कोई कर्कश तरीके से बात कर रहा है तो माँ तत्काल, कि भाई कर्कशता को बच्चा ने पर सी एक देखा जाए तो रिसीव किया कहीं ना कहीं, तो तत्काल माँ देखो बेटा इसमें अच्छा नहीं लगा ना इस तरीके से बात करी, तो हमको इससे एक सीख मिली है, वी शुड बी थैंकफुल अबाउट द पर्सन कि उसने मुझे ये सीख दी। देखिए सबसे पहले बी थैंकफुल फॉर द पर्सन, क्योंकि कोई भी चीज यदि मेरा उसके प्रति राग है तो मैं उसे रिसीव करती हूँ, और यदि मेरा उसके प्रति द्वेष है तो वो मैं उसको रिसीव करती हूँ, ठीक है ना। तो द्वेष तो तुरंत खत्म करिए, सबसे पहले थैंकफुल कि आपने मुझे ये मौका दिया, आपने मुझे ये सीख दी, यू मेक मी टू लर्न कि भाई मुझे प्रेम से बात करनी है, धैर्यपूर्वक बात करनी है, कन्विंसिंग वे में बात करनी है, क्योंकि यदि इस तरीके से मैं बात करूंगी तो मैं सामने वाले को अपने प्रति रिसेप्टिव नहीं बना रही हूँ, कर्कश तरीके से यदि मैंने बात करी तो मैं रिसेप्टिव नहीं बना रही बल्कि उसको रिटेलिएट कर रही हूँ उस बात से, ठीक है ना। तो मुझे यदि किसी को अपने अनुकूल बनाना है, अपनी बात को समझने में सक्षम बनाना है, तो उसमें मुझे उसको फैसिलिटेट करना है, और फैसिलिटेट ऐसे कर सकते हैं कि आपको प्रेम से, मधुरता से और कन्विंसिंग वे में बात करनी है जिससे मुझे भी अच्छा लगे, सामने वाले को भी अच्छा लगे। बच्चे को एक ये बात आ गई, गाली देने के क्रम में भी यही बातें आती है कि भाई देखो ये अपशब्द जो बोला जा रहा है, जो भी शब्द हम सुनते हैं ना वैसा हमारा मन हो जाता है, जो शब्द हम बोलते हैं वो तो और अंदर में कितनी बार गुंजायमान हो रहा है, इसलिए हमको इन शब्दों का उपयोग नहीं करना है। क्यों, अब नहीं करने की अपेक्षा है, बोले कि इसकी अपेक्षा हम प्यार से बात करें, ठीक है। ये बात भी हमको संवाद में ध्यान देनी है कि ज्यादातर हम सकारात्मक वे में बातें करें बच्चे से, तो नहीं करने की अपेक्षा कि हमको
प्यार से बात करनी है, हम प्यार से बोलेंगे तो सबको अच्छा लगेगा, हम प्यार से बोलेंगे तो सब हमारे दोस्त बनेंगे, यदि हम अपशब्दों का उपयोग करेंगे तो सब हमारे दुश्मन बन सकते हैं, सबको बुरा लग सकता है, तो जब हमारे को उनकी सहायता की अपेक्षा होगी तो नहीं मिल सकती। अच्छा, हम प्यार करेंगे, हम सबको अच्छे से बोलेंगे, सब प्यार करेंगे तो जब भी हमारी आवश्यकता होगी हमको सब सहयोग करेंगे, है ना, कहीं ना कहीं से सहयोग मिलेगा। तो इस प्रकार से सकारात्मक बात, ऐसे ही जो बहन ने ये कहा कि छठे महीने की प्रेगनेंसी चल रही है और घर में निगेटिव वातावरण है, देखिए बार बार आपसे कहा कि किसी भी बात का परसेप्शन इंपॉर्टेंट है, वातावरण तो सिग्नल्स इंपॉर्टेंट है ही, वातावरण में जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है, पर यदि वातावरण नहीं हम बदल सकते तो वातावरण के प्रति अपना परसेप्शन बदलते हैं, ठीक है ना। तो हम उनके प्रति भी थोड़े से, एक तो सबसे पहले ये हो कि क्या, सबसे पहले तो माँ को ये समझ में आए कि कोई भी व्यक्ति गलत करना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति नेगेटिव करना नहीं चाहता, वो बेचारा क्या करे, उसकी समझ वहीं पर है, वो उसी को सही मान रहा है, उसको लग रहा है यही करना सही है भले ही वो गलत है, इसलिए वो कर रहा है। सबसे पहले माँ को ये समझना होगा तो उसका परसेप्शन बदलेगा, अब वो एम्पैथेटिक होगी कि ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, इसकी समझ ऐसी बनी है तो क्यों बनी है, क्या कारण है, फिर उस पे जाएगा तो फिर समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं सामने वाला व्यक्ति कोई गलत बात को गलत अंडरस्टैंड कर लिया है, गलत समझ रहा है और इसलिए कर रहा है। तो माँ बच्चे को, जब माँ अपने आप में इस प्रकार से सुलझ जाती है तो फिर बच्चे को सकारात्मक दे सकती है, कोई बात नहीं बेटा, दादी परेशान है मन से या बुआ परेशान है मन से, इसलिए वो ऐसा कह रही है, पर सही तरीका ये है। और सही, अपन हमेशा ये बात ध्यान देंगे कि कितनी भी परेशानी हो अपन मौन हो जाएंगे, पर इस तरीके से न करके हम हमेशा प्यार से बात करेंगे, सही बात को समझने की, सही बात को कहने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से गर्भिणी को खुद को लेना है और उसी तरीके से बच्चे को कन्वे करना, उसके पहले गर्भिणी को अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ेगा, कोई गलत करना नहीं चाहता, सब सही करना चाहते हैं, पर उनकी समझ चूंकि गलत हो गई है ना, या वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने ऊपर तो कर रहे, तो ये भैया उसके लिए वो दया के पात्र है, कोई जानबूझकर कुछ नहीं करता, ठीक है ना। तो ये बात जब हम समझ जाते हैं, क्योंकि पोटेंशियल, एवरी सोल इज पोटेंशियल डिवाइन, यदि मैं ये सोच रही हूं, प्रत्येक गर्भिणी ये सोच ले, प्रत्येक व्यक्ति ये सोच ले, यदि मैं ये सोच रही हूं कि सामने वाला जानबूझकर गलती कर रहा है तो मैं ये मान रही हूं कि उसमें ईश्वर का अंश मौजूद नहीं है, तो मेरी आस्तिकता और मेरी ईश्वर भक्ति पर मैं स्वयं आरोप कर रही हूं, अपना स्वयं प्रश्न उठा रहे हैं। हाँ, इस पोटेंशियल बात पर विश्वास रखिए, ठीक है। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद दीदी। बहुत दिन से ये बात चल रही थी गर्भ संवाद के साथ में कि किस प्रकार से इन चीजों से बचने का भाव गर्भिणी महिलाओं माताओं के मन में लाएं, और आज ये अवसर मिला मुझे और आपके द्वारा हम सबको ये जानकारी मिली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि सकारात्मक भाव नकारात्मक को भी सकारात्मक में कैसे बदल सकते हैं। जी, धन्यवाद दीदी, प्रणाम। धन्यवाद प्रेरणा जी का और सभी पार्टिसिपेंट्स का, जिन्होंने बड़े अच्छी तरह से क्लास को सुना और क्वेश्चन पेश किए और पूरी तरह से भावनात्मक माहौल में ये क्लास संपादित हुआ और सबके मन को छू गया। उस समय पूरा हो चुका है, ज्यादा समय भी हो गया है और अटेंडेंस लिंक इस पर डाल दिया गया है, अनुरोध है कि जिन्होंने अटेंडेंस मार्क न की हो वो अटेंडेंस लगाने के बाद ही सिस्टम से आउट होंगे और क्लास को समाप्त करने की अनुमति के साथ अनुरोध करूंगा। ओम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु।
कल आपका क्लास सुपर फूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पर होगा, जिसमें डाइट के बारे में आपको बताया जाएगा कि मॉडर्न साइंस के अनुसार किस तरह की डाइट गर्भवती माँ को लेना उचित होगा। पुनः सभी से अनुरोध है कि अटेंडेंस लिंक चैट बॉक्स में पड़ा हुआ है, सभी लोग अटेंडेंस लगाने के बाद सिस्टम से लॉग आउट हों।